होप आई एम ऑडिबल, प्लीज कन्फर्म। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। आज आपकी बिटिया रानी अच्छी है। ये वाला वैक्सीन थोड़ा, डॉक्टर ने बोला था 2 दिन दिक्कत होगी। शी इज वेरी एक्टिव किड, बट वैक्सीन के बाद वो बिस्तर छोड़ ही नहीं रही है, एक जगह पर ही वैसे लेटी हुई है। तो असर है, फीवर वगैरह था, दवा पी नहीं रही है, वो बच्चा दवा नहीं पीता है, तो बड़ी दिक्कत ही होती है। बट आई थिंक डॉक्टर ने 48 आवर्स बोला था। ओके जी, आप डाउट्स क्यों नहीं लेते हैं? बेटा जितना पॉसिबल है डाउट्स उतना लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, किसी किसी क्लास में ज़्यादा डाउट्स ले लूँगा। अभी जैसे तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँ पढ़ा लूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, और कभी कभी डाउट्स, अभी देखो क्लास मैंने 2 घंटे की कर दी है, अब 2 घंटे की ही रहेगी, डाउट्स का सोच के ही 2 घंटे किया है। बट अभी जब तक थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, तब तक थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने पर फोकस कर लेंगे, डाउट्स आपके किसी और क्लास में देख लेंगे, ठीक है? देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, कितने भी डाउट्स मैं ले लूंगा आपके डाउट्स खत्म नहीं होंगे बेटा। तो एक एडुकेटर से जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसको रियलिस्टिक रखना भी बहुत आवश्यक है, ठीक है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब भी रखोगे तो आप हमेशा एडुकेटर को ही दोष दोगे, ठीक है? तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऐसे मत रखो कि एक क्लास में, आपको पता है कि मैं कोई नया डाउट लेके आता है, उसको समझाने में 3 मिनट लग जाता है। अगर मैं आधे घंटे भी डाउट लूँ और पर डाउट में 3 मिनट भी दूंगा, तो 10 डाउट्स ही हो पाएंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो डाउट्स तो थोड़े बहुत छूटेंगे, तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो भी इस बैच में बच्चे हैं, उनके साथ कुछ आपके जानने वाले होंगे, और उनके साथ मिलके थोड़ा सा अपना आपस में भी सेल्फ, वो कहते हैं ग्रुप स्टडी करना स्टार्ट करिए, वही सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म। बाकी जितनी मेरी क्षमता है, ठीक है, उतनी कोशिश मैं करता हूँ, और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं टाइप वाइज स्विच करूं, जो कई सालों से मुझे लगता है वो बहुत सेफ सोल्यूशन है मेरे लिए, कि टाइप वाइज में स्विच करने से आपके डाउट्स खत्म से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइप वाइज चीजें आती रहेंगी, फॉर्मूला आता रहेगा, आपका आपका मेहनत कम हो जाएगा, मेरा भी मेहनत कम हो जाएगा। ये जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें आपको भी दर्द होगा, मुझे भी होगा, बट ये चीज लॉन्ग टर्म में आप अच्छा सीखोगे, तो साथ देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी प्लीज, बाकी जितना मेरे से हो सकेगा वो करेंगे। बीच में अगर कभी कभी लगेगा कि चलो किसी दिन ज्यादा डाउट्स ले लें, ज्यादा डाउट्स ले लेंगे, इस बैच को हमने रखा भी है कि 5 महीने में लगभग खत्म करना है, ठीक है? ओके क्लियर। तो थोड़ी रिस्पॉन्स, बिल्कुल सुमन जी भी सही करें कि डाउट सेक्शन में कई लोग इररिलेवेंट अननेसेसरी क्वेश्चन डाल देते हैं, बिल्कुल, उससे मेरा टाइम जाता है। आप जिम्मेदारी से रहोगे तो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन में ले पाऊंगा, ठीक है? हाँ जी आगे बढ़ूं? ओके फाइन, थोड़ा स्लो समझाइए। सौरभ जी देखिए एक चीज बताता हूँ बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना, हर किसी की लर्निंग स्पीड डिफरेंट है, ठीक है? टीचर को एक औसत गति से चलना ही पड़ता है। मैं एक एक चीज को दो दो बार इसलिए बता देता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो आप इसको दोबारा से घर पे देख के समझ सकते हैं, वही चीज दोबारा चला सकते हैं। ट्यूशन और वन टू मेनी क्लासेस में थोड़ा फर्क होता है, तो ये वन टू मेनी मॉडल है। वन टू मेनी मॉडल में अगर मैं बहुत स्लो हो जाऊंगा तो आप खुश हो जाओगे, 99 लोग दुखी हो जाएंगे। अगर मैं बहुत तेज हो जाऊंगा तो एक बच्चा खुश हो जाएगा, 99 लोग दुखी हो जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है, तो मुझे एक औसत गति से चलना पड़ेगा, वो बात आपको समझना है। मुझे सबको एक औसत गति से लेकर चलना है, वरना सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, वरना इस चीज को हम 1.5 साल भी पढ़ सकते हैं, 2 साल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर आर नॉट? गौतम जी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, 10 चीजों पे फोकस करते हैं। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है आप तो नहीं छोड़ोगे ना, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में बात करने का क्या मतलब है, ठीक है? समझ में आया? ये चीज मैंने पहले दिन जब आया था तभी बता दिया था मैंने। और आप लोग पढ़ने पे फोकस करिए, मैंने देखा है कि बच्चे 10 चीजें जानने में इंटरेस्टेड हैं। टीचर की जिंदगी में क्या चल रहा है, टीचर कहाँ घूमने गया, टीचर किन परेशानियों से गुजर रहा है, फाड़ में जाए टीचर, पढ़ो और मौज करो, ठीक है? बस वही तुम्हारा काम है, ठीक है? 5 साल बाद ना तुम हमको याद रखोगे ना हम तुमको याद रखेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार मिल लेंगे, हाय हेलो कर लेंगे, बस। तो बस अपने में रहो, मौज करो, ठीक है? फोकस रहो एग्जाम पे, इधर उधर की बातों में ना फंसवा, इधर आओ जरा। कहाँ तक पहुंचे थे हम? ये किया था हमने, तीसरा भी कर लिया था शायद, नहीं तीसरा ही करना था, और आपने घर पे इसको ट्राई किया होगा, तो जरा इसको ध्यान से देखें। 2.4 मीटर, व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर?
तो यहां बात की जा रही है परसेंटेज की, 3.2 सेंटीमीटर का परसेंटेज मुझे निकालना है 2.4 मीटर, जो कि 2400 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब मजेदार बात यहां पर क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखें, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 2400 नहीं लिखना चाहिए मुझे, 240 सेंटीमीटर लिखना चाहिए। अब जैसे ही आप इसका 1% निकालोगे, 1% कितना निकल के आएगा, 2.4 निकल के आएगा, ठीक। इमीडिएटली आपको दिखेगा कि आपका आंसर 1% से बड़ा है, और अगर आपका आंसर 1% से बड़ा है तो कितना परसेंट है, 1% इसका 2.4 आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरा आंसर 1.1% से तो बड़ा हो गया, ठीक है। बट मेरा आंसर कितना परसेंटेज है ये मुझे कैलकुलेट करना है, बताइए कितना परसेंट है, ठीक है। कितना टाइम लगा रहे हो आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं सी करेक्ट होगा, सी तो सरासर गलत है, सी तो सरासर गलत है, डी भी गलत है, कितने लोग कह रहे हैं डी होगा, सब गलत है, सारे ऑप्शन ही गलत है। कैसे आप ये सवाल गलत कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो आप, 2.4 मीटर इस 240 सेंटीमीटर करके 100 से गुणा करके देख लेते ना, इस 100 से अगर मैं गुणा करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक। वैसे यहां आंसर मैं दिखा चुका हूं कि आपका आंसर 1 से 2% के बीच में है, 1% 2.4 है, 2% 4.8 है, 1 से 2% के बीच में कोई आंसर ही नहीं है, तो यहां चारों ऑप्शंस गलत हैं, क्लियर, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं बेस 2.4 होगा, यस, क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर, इसलिए बेस मेरा यही है 2.4 मीटर ही है, तो यहां जो आंसर आएगा 1 से 2 के बीच में आएगा, यही काफी है सारे ऑप्शन को गलत करने के लिए, इसलिए लॉजिकली मैं इसको पढ़ना आवश्यक है। बाकी अगर आप अपना ये वाला तरीका भी लगाओगे तो आपको मिलेगा 320/240, काटिए यहाँ पर 8 × 32 8 × 3 = 24, आपकी वैल्यू आएगी 1/3%, ये आपका आंसर है 1/3%, जो कि कहीं दिया नहीं है, इसलिए आपका आंसर है डी, ई ऑप्शन नन, 1/3%, इसलिए मैथ्स को लॉजिकली सीखिए, ठीक है। वरना तुम कोई ना कोई ऑप्शन निकाल ही लोगे, मैंने देखा है कुछ लोगों को कि ऑप्शन में क्वेश्चन फिट कर ही लेते हैं, वो लॉजिक गया बाढ़ में, ऑप्शन है तो क्वेश्चन फिट कर देंगे उसमें, ठीक है। 2.4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, तो यूजली क्या होता है, अगर कोई डेसिमल वैल्यू दी हो और मुझसे बाय डिफॉल्ट पूछा जाए कि बताओ इसका क्या परसेंटेज है, तो हम बेस को एक मानते हैं, इसको 2.4/1 लिखते हैं, तो परसेंटेज क्या होगा इसका, 100 से गुणा करने पे आ जाएगा, किसी भी डेसिमल वैल्यू को 100 से गुणा करने पे परसेंटेज आता है, तो ये वैल्यू हमारी 240% हो गई, आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पोल पे भाग लेते जाइए और सवाल करते जाएंगे। 9/40 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए 1/4 25% होता है, सभी को पता होगा 1/40 जो होता है वो 2.5% होता है, ये भी धीरे धीरे करके याद होने लगेंगे ऐसी वैल्यूज, तो 9/40 आपका 9 × 2.5 है, बेसिकली 25 नौइयां जाना है आपको, 25 × 9 होता है 225, तो आपकी 22.5% वैल्यू हो गई है, 22.5% आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, ए ऑप्शन। हाँ जी, छठवां प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न कह रहा है हमसे कि एक गिवन फ्रैक्शन है परसेंटेज एज ए रेशियो इन द लोएस्ट टर्म इज, तो कह रहा है कि हमें एक फ्रैक्शन परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब ऐसे समझना कि एक परसेंटेज जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, मुझे इसको रेशियो के फॉर्म में व्यक्त करना है, लोएस्ट टर्म में मतलब काट पीट के सबसे छोटे टर्म में लिखना है, तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर बदलना होता है तो आप क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले मैं 25 से काटूं तो 25 × 3 = 75 बनेगा, और 25 से जब इसको काटे जाओगे तो ध्यान रखना आर्ट ऑफ कैलकुलेशन कि कभी भी किसी चीज को अगर 25 से डिवाइड करना हो तो इसका मतलब होता है 100/4 करना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना, तो इस वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 68 बनेगा, और 100 से डिवाइड करूंगा तो एनीवे 2 0 कट जाएगा, तो 3/68 बन गया, और 3/68 मुझे कहां दिया है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया, 62% लोगों ने सही उत्तर दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और पढ़िए इसको और इसका उत्तर बताइए। करेक्ट, कौन से फॉलोइंग मल्टीप्लायर्स विल कॉज ए नंबर टू बी इंक्रीज बाई 21.3%, मतलब कौन सा मल्टीप्लायर, मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी संख्या 21.3% से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 21.3% से अगर आप किसी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो बेसिकली आप ऐसा करना चाहते हो, आपका जो मल्टीप्लायर होगा वो इतना होगा, किसी भी वैल्यू को अगर आप 21.3% से बढ़ाते हो, मान लिया वैल्यू ए है उसको 21.3% से बढ़ाओगे तो ऐसा होगा, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 1.213 में, मैंने आपको बताया भी था 20% 0.2 होता है, 21.3% होगा तो 0.213 बनेगा, ठीक है, तो ये 1.213 होगा आपका आंसर, इसको मात्र 21% लोगों ने सही उत्तर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हो तो गलतियां आपसे होंगी। आगे आते हैं, कह रहे 80% ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 63, नंबर क्या है,
80 फीसदी ऑफ 3/4 ऑफ ए नंबर एक्स इज 63। 80% का मतलब होता है 4/5, फ्रैक्शन में 80% 4/5 के बराबर होता है। ये 3/4 है इंटू एक्स है, ये 63 है, 4 से 4 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू 5/3, 3 से काटूंगा, 3 2 3 3 1 3, 21 5 105, x की वैल्यू आएगी 105 का मतलब है ऑप्शन ए, ठीक है, 70% लोग करेक्ट हैं इसमें। नवा सवाल देखिए, x का मान बताना है, हमें दिया है कि 25% 480 का, 30% 500 का, x परसेंट 90 का, 35% ऑफ 900 के बराबर है, तो x परसेंट की वैल्यू निकालनी है। सब फटाफट निकालते हैं, 25% किसी भी नंबर का 1/4 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 इंटू 480, ठीक है, 1/4 इंटू 480 प्लस 30% 500 का कितना होगा, 30% का मतलब होता है 10.3 गुना, तो ये हो जाएगा 150, ठीक, प्लस x परसेंट ऑफ 90। अच्छा, x परसेंट ऑफ 90 का मतलब आपको पता है क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90x/100, तो समझ आ रहा होगा, x/100 इंटू 90, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 35/100 इंटू 900 बनेगा। आगे मैं आपको एक एबिलिटी बोलूंगा जो आपको सीखना है कि 1% हटाओगे तो प्रोडक्ट में 2 0 हट जाता है, तो हम ये लिखेंगे नहीं, ठीक है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सीधे 35 × 9 बनेगा, तो ये वैल्यू हमारी 315 के बराबर हो गई, ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू 120 के बराबर होगी, यहाँ पर 150 के बराबर होगी, ये वैल्यू हमारी 9/10 इंटू एक्स हो गई, है ना, तो 9/10 इंटू एक्स जो होगा हमारा, ये 315 - 270 के बराबर हो गया, 30 और 15 हो गया 45, एक्स की वैल्यू हो गई 45 × 10/9 बराबर हो गया 50, आंसर हो गया आपका सी, सी आपका उत्तर हो गया, ठीक है, समझ में आया, सिंपल सी क्वेश्चन बनाई और सॉल्व कर लिया हमने। ये सवाल करें, 9% 5500 का, 2.4% 1100 का, 40% 1600 का, इसका मान क्या आएगा, ये हमें निकाल के बताना है। 5500 का 9% जब आप निकालोगे तो 1% हटाने से 2 0 हटता है, तो 9 × 55 हो गया ये, ठीक, 1% हटाने से 2 0 हटेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.4 × 11 माइनस 40%, भाई हम कहेंगे 40 × 16 बनेगा, 2 0 हट जाएगा, 9 × 55 निकालोगे, दो तरीके हैं निकालने के, 9 × 45 मतलब 50 से गुणा करेंगे 450 आएगा, 5 से गुणा करेंगे 45 आएगा, ये वैल्यू 495 हो गई, ठीक, या इसको 10 - 1 से सोच लें, 550 - 55 तो भी यही आ जाएगा। किसी भी संख्या को अगर आपको 11 से गुणा करना है, 2.4 है, तो 2 डिजिट की संख्या में 2 और 4 को आगे करके लिख दो और इनका सम बीच में आ जाता है, ऐसे 10 यहां पर लग जाएगा, एक अंक पे लगा दिया, और 16 × 64 आपका 640 हो गया। अब ये तो क्लियर होगा कि मेरा आंसर नेगेटिव में ही आना है, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू काफी ज्यादा है, ओके, तो कर लेते हैं सॉल्व इसे। इन दोनों का अंतर अगर आप ध्यान से देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 140 और 5, 145 बनेगा, -26.4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं, आंसर यही होगा, नेगेटिव में जो 2 वैल्यू है, ये वैल्यू देखो 145 से कम आएगा ना, 145 से कम नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है, वही करेक्ट होगा, इसको सॉल्व नहीं करना आपको, ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए चलना ही समझदारी है। खैर इसको कर लेते हैं, 10.6 हो गया, 14 में से 6 गया 8 और 13 में से 2 गया 11, 118.6 आ गया आपकी वैल्यू, और माइनस में ही, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इसलिए मैंने घटाया था, अभी मैं सोचना कि पॉजिटिव आ रहा है, नहीं, ये माइनस में था, मुझे पता था ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो उल्टा साइन लेके मैंने बस मैग्नीट्यूड निकाला था यहाँ, और ये पता था कि साइन माइनस होगा, एक्चुअल में ऐसे लिखना है, ठीक है, कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है अपने दिमाग में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ध्यान से देखें और करें इसको। एक क्लास में 60% स्टूडेंट लड़के हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 36 है, नंबर ऑफ बॉयज बताओ। अब एक एबिलिटी आपको क्रिएट करनी है कि 60% 3/5 होता है, ठीक है, अगर 60% 3/5 है तो ये बॉयज हैं और ये टोटल है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जब भी लिखना हो तो आपको ऐसे लिखना है 3:2, 5 टोटल है, 3 बॉय है, तो गर्ल 2 होगी। एक तरीका और भी है, 60% अगर लड़के हैं तो बाकी 40% कौन होगा, टोटल तो 100% होगा, लड़कियां होंगी, तो रेशियो क्या बनेगा, 3:2। तो ऐसे मैंने लिखा कि यहां बॉय और गर्ल का रेशियो क्या है, 3:2 है। अब मुझे नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, गर्ल्स की संख्या मुझे कितनी दी है, 36, 2 यूनिट मुझे 36 दिया है, तो आप कहोगे मेरा 1 यूनिट 18 के बराबर होगा, 2 यूनिट 36 तो 1 यूनिट 18, तो 3 यूनिट 3 × 18, 18 तीन आपका हो गया 54, यानी 54 आंसर हो गया बी, ठीक है, बी उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है डिफरेंस बताना है आपको बिटवीन ए नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर इज 228, What is 20% of that number? एक नंबर और 1/3 of that number.
तो एक नंबर x है, उसका 1/3 क्या होगा, x बाई 3 होगा। इसका अंतर मुझे क्या दिया है, 228। बेसिकली मुझे 2x बाई 3 228 दिया हुआ है। मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 228 इंटू 3 बाई 2। दो से काटूंगा, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, ये हो गया 342। इसका 20% मुझे निकालना है। 20% किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना हो तो दो तरीके हैं, या तो 0.2 से गुणा कर दो, ठीक है, क्लियर, 0.2 से गुणा कर दो, 342 इंटू 1/5। मैं इसको 1/5 कर लूँ, 20% 1/5 के बराबर होता है, या सबसे बेहतर है कि 20% को आप 0.2 सोचना शुरू करिए, बस दो से मल्टीप्लाई कर लो, 684 बनेगा और यहाँ पर वैल्यू ऐसी बनेगी, 68.4, ऑप्शन है ए, क्लियर। कितने लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, कितने लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग बार बार लिख रहे हैं कि स्लो हो जाइए। देखिए क्लास को फॉलो करने के बेटा तरीका बता दे रहा हूँ मैं, ईमानदारी से बताना कि ये क्लास के क्वेश्चंस आप घर पे करके आए हो कि नहीं। हर सवाल को घर से पहली बात तो ट्राई करके आना ही है, पहली बात, अगर नहीं करोगे तो क्लास में आप मेरे पकड़ नहीं पाओगे, पहली बात। दूसरा, जो कुछ थ्योरी पढ़ाई जा रही है उस थ्योरी को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें शायद आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, एक दो बार रिवाइज करके समझ में आएंगी, बट उसकी वजह से क्लास को बेटा रोक नहीं देना है, प्लीज थोड़ा साथ दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो कई लोगों का मैं देखता हूँ कमेंट सिर्फ यही आता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, हो सकता है कुछ बातें समझ में नहीं आई हो, आप उसको एग्जैजरेट करके बोल रहे हो कि मुझे कुछ ना समझ में आने का एक ही रीजन हो सकता है कि आपने ठान ही लिया है कि हमको यही बोलना ही है बस, वरना कैसे कुछ समझ में नहीं आया कि 1% 1/100 होता है, x% of y, y% of x होता है, तो ऐसा मत करिए प्लीज। हाँ जी, थोड़ा सा क्लास को घर पर मेहनत करोगे तभी हो पाएगा, कंपटीशन बहुत टफ है बेटा, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, दम लगा के जुझारू एटीट्यूड से नहीं लड़ोगे कि मुझे सीखना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है आपके अंदर, जुझारू एटीट्यूड, कि कैसे नहीं सीखेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे और सीखेंगे, समझे कि नहीं, तभी समझ चल पाओगे क्लास के साथ, वरना दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 35% of x + y 40% of x - y के बराबर है, y k% of x के बराबर है, तो आप 48% of k बता दो, ओके, क्लियर, चलो करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, इसमें बहुत मजा आएगा आपको। तो यहां पर आप एक काम करिए, यहां पर आप सीधे पहले x + y / x - y लिखिए, रेशियो कर रहा हूं मैं, तो ये 40% 40/100 होता है, 30% 30/100 होता है, तो आप परसेंटेज का साइन ऐसे ही काट सकते हो, 5/8 आप इसको काटो, किससे, सीधे 10 से काट लो, 4/3 बन जाएगा। फिर एक चीज होती है, आपने बचपन में जरूर पढ़ी होगी, इसका नाम होता था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो x/y = anything, let's say a/b, तो x/y को हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करते हैं, तो ऐसा मिलता है x + y / x - y = a + b / a - b। फिर दोबारा इस पे भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप लगाओगे तो ये ऐसा बनता है x + y + x - y / x + y - x - y, ये वैल्यू आएगा फिर से a + b + a - b / a + b - a - b। हाँ, वैल्यू मैं करेक्ट कर दूंगा, परेशान ना हो, पहले ये तो देखो, तो ये a/b फिर से बन जाएगा और ये फिर से x/y बन जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है बेटा, कि अगर ये वैल्यू दी हो और इस पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो ऐसे इस पे, तो ये 2x/2y बन जाता है, जो कि अल्टीमेटली x/y हो जाता है, और इधर जो भी वैल्यू होगी, जैसे आप कर रहे हैं 35 होना चाहिए, तो मैं यहाँ 35 लिख देता हूँ, मैंने 30 गलत लिखा है, ये वैल्यू 35 ही होनी चाहिए, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, तो ये 8 + 7 बन जाएगा और ये 8 - 7 बन जाएगा। अब ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है, इसमें कुछ समझना है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम है, रेशियो में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो ये पता होना चाहिए, क्लास 9th में है ये सिलेबस में, ठीक है, नहीं आता तो जान लो, x/y अगर a/b के बराबर है तो x + y / x - y इसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू 15/1 हो गई, x/y की वैल्यू 15/1 आई। अब देखो यहाँ सीखना क्या है, y क्या है, यहाँ पर 1/15 x के बराबर है, मैं जो सिखाऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, y की वैल्यू k% of x के बराबर है। यहां से आप एक चीज पकड़िए जो कि बहुत जरूरी है, कि k परसेंटेज परसेंटेज में है और ये 1/15 फ्रैक्शन में, इसका क्या मतलब हो, कि इस k परसेंटेज का ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, यस, तो यहां हमको पता चल गया कि k परसेंटेज ही हमारा 1/15 के बराबर है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब मुझे k को परसेंटेज में लिखने की जरूरत नहीं है, 62/3% नहीं लिखना इसको, कई लोग ये गलती करते हैं कि वो k का मान निकालेंगे, नहीं। अब आप जब इस वैल्यू को देखना, तो एक बार बताओ क्या मैं आपको ये सिखा चुका हूं
कि x परसेंट ऑफ y, y परसेंट ऑफ x के बराबर होता है, yes? तो क्या मैं इसी वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूँ? yes? अब मैं क्या k परसेंट की जगह सीधा उठा के 1/15 लिख दूँ? yes? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? क्या 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30 हो गया, 3.2 आंसर क्या हो गया? हाँ जी, क्लियर, समझ में आया सभी को? ऑल राइट, समझ में आया सभी को? यस। मैंने बस एक काम किया, मैंने k की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने कहा जब k परसेंट की जगह दूसरी इक्वेशन में 1/15 लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि k परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू ही तो 1/15 है। चीजों को रिलेट करके ही पढ़ो। कई लोग अब k का परसेंटेज वैल्यू लिख लेंगे, फिर जाके वहां k रखेंगे, बराए बराए घूमेंगे, क्या फर्जीवाड़ा है? रिलेशन समझो ना कि 1/15 जब वही चीज लिखी है तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, तो k परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 हो गई, फिर 48% ऑफ k परसेंट ऑफ 48 हो गया, k परसेंट की जगह 1/15 लिख दिया, 1/15 × 48, 3.2 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे समय बचाने में। अंकित जी जो क्लास छूट गया उसका क्या करें? अंकित, पहले मेरा आपको बेटा एक सुझाव है, मैं आपके चार्ट्स को लगातार देखता हूं, बहुत ही घबराए हुए चार्ट्स हैं तुम्हारे, बहुत ही डरे हुए व्यक्ति लगते हो आप जीवन में। परसेंटेज एक नया टॉपिक है जिसकी मैं तीसरी या चौथी क्लास ले रहा हूं, तीसरी क्लास ले रहा हूं, और मुझे लग रहा है तुम परसेंटेज में डे 2 से जुड़ गए हो। यहां से अगर तमीज से पढ़ना शुरू करोगे तो मैं सब समझ में आएगा, क्यों भटक रहे हो जबरदस्ती? एक क्लास डेली, बस इतना ही फोकस करना है आपको। अब घबराने से जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता है, लड़ने से मिलता है ना? लड़ोगे तो मिलेगा, घबराओगे तो कुछ नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड ही डिसाइड करता है आदमी कहां तक जाएगा, विचारों के ऊपर कभी कोई जा ही नहीं पाता, जितना सोचोगे उतना ही होगा। दो नंबर एक्स और वाई है, वो 30% और 37% कम है तीसरे नंबर से, बाई हाउ मच परसेंट वाई इज लेस देन एक्स। अब देखो ये सवाल में एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको, बेसिकली 2% दिए हैं एक तीसरे नंबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है? हाँ जी, तो तीसरे नंबर को हम एक नंबर एज्यूम करेंगे, यहां थर्ड नंबर को हम 100 मानेंगे। क्यों मानेंगे, इसका रीजन क्या है? इसलिए मानेंगे क्योंकि दो नंबर इसी के रेस्पेक्ट में दिए हैं, तो थर्ड नंबर को हम 100 मान लेंगे। अब एक नंबर इससे 30% कम है जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंड नंबर, तो मैं यहां लिख रहा हूं सेकेंड नंबर इससे 30% कम है, तो सेकेंड नंबर अगर इससे 30% कम है तो 100 - 30 क्या बनेगा? 70 बनेगा। एक और नंबर है जो इससे 37% कम है, तो वो नंबर 63 है जो कि हम बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर। अब क्या पूछ रहा है, बेसिकली इन्होंने इस नंबर को x बोला है और इसको y बोला है, ठीक है? y x से कितना फीसदी कम है? आपको 70 से 63 7 कम है, 7 70 10% होता है, तो 10% कम है, आंसर हो गया मेरा ए। ठीक है, ए आपका आंसर हो गया, क्लियर? इज एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़े, फाइन। तीसरा नंबर मैंने 100 माना, 30% 100 से कम करोगे 30 कम हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 37 कम करोगे 100 से 63 हो जाएगा। अब 63 70 से कितना कम है? 7 कम है, 7 70 का कितना प्रतिशत है? 10% है। कैसे ये मत पूछो यार, 7 70 का कितना प्रतिशत है ये कैसे मत पूछे लकी जी, ऐसा मत बोलो यार, मतलब ऐसा मत करो कि मुझे आपको बचपन में लेके जाना पड़े और ऐसा लिखना पड़े तो मुझे बहुत कष्ट होने लगता है फिर, कि 7/70 × 100 ऐसा लिख के थोड़ा ना दिखाऊंगा मैं यार। मैं तो कहूंगा 7/70 जो है, 70 मैंने बताया कि आपका 100% होता है, बेस हमेशा 100% होता है, इसका 10% 1/10 होता है, 7 हो गया सीधे, 7/70 का 10% है, सीधे देखना पड़ेगा आपको, हाँ ध्यान रखना, इतना तो मैच्योर बनना पड़ेगा आपको, जितना भी दम लगाना है लगाओ, यही एटीट्यूड डेवलप करना कि 7/70 का 10% सीधे दिखे, लिख के नहीं करना ये वरना बहुत पीछे छूट जाओगे तुम। 15वां सवाल ध्यान से देखिए, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y? ठीक है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या दिया है। 25% of half of x यानी x by 2 is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y। अब मुझे देना है x y से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, काटपीट मचा लेते हैं थोड़ा सा। आप कहोगे इसकी वैल्यू तो 1/4 हो गई, लिख लेते हैं 1/4 × x/2, 25% 1/4 होता है, लिख दिया, ढाई को ढाई लिखा, ठीक है, इंटू 30% को हम 3/10 लिखेंगे, इंटू वाई 4 लिखेंगे, 4 से 4 कटेगा, यस। एक्स की वैल्यू को जरा उधर ले जाते हैं तो ये 2 से देखो आप, 2 से यहाँ 5 बना देता, 2.5 से काटते तो ये 2 बन जाता, एक्स की वैल्यू 3/2 वाई आ गई, एक्स की वैल्यू 1.5 वाई आ गई,
अगर आपने मल्टीप्लायर थोड़ा सा सीखा है, x जब भी डेढ़ y होता है तो आप बोलते हो कि x y से 50% ज्यादा है। बोला था कि नहीं ये बात? डेढ़ गुना होने का मतलब क्या होता है? 50% ज्यादा, राइट? 50% ज्यादा होता है। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है। और भी तरीके सवाल को करने के, जब भी कोई क्वेश्चन दी हो दो तरफ परसेंटेज के साइन हो तो आप परसेंटेज का साइन सीधे काट सकते हो। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हम लिखते 25 into, दोनों तरफ परसेंटेज का साइन हटा सकते हो, तो बनता 25 into 30 into y/4। ऐसा बनता, ढाई से आप काटते 10 गुना बनता, 10 से काटते 3 गुना बनता, 2 से काटते 2 गुना बनता, फिर से वही आता x = 3/2y। तो या तो ये ऑब्जर्वेशन ले लो कि x अगर डेढ़ y है तो वो x y से 50% ज्यादा है। दूसरा तरीका यह है कि ऐसा लिखने के बाद आप y को 2 मान लो, x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 2 से 3 जाना है आपको, ये तुमने y माना तो x तुम्हारा ये हो गया। आपको कहोगे 1 ज्यादा है, x अगर y से 1 ज्यादा है 2 के बेस पर, y हमारा 2 है, तो +1/2 जो होता है ये 50% के बराबर होता है। कल ही पढ़ा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो हम बोलेंगे 50% मोर। ठीक है, बेहतर है आप यही जजमेंट ले लो तो जल्दी से थोड़ा टाइम बचा लोगे आप, है ना, आसानी से हो जाएगा। 16वां सवाल देखते हैं, 16th question। चार मित्र हैं जिनके अमाउंट इस तरीके से हैं कि ए के पास 120% बी का है, बी के पास 20% ज्यादा सी का है, सी के पास 1/4 ज्यादा है डी से। आपको बताना है ए प्लस सी बी प्लस डी का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले सब कुछ लिखता हूं मैं, ए बी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है, सी डी से ज्यादा है, तो एक एक करके लिखें। डी लिखता हूं पहले, डी से 1/4 ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है कौन? सी। सी से 20% ज्यादा कौन है? वो है बी। बी से ए भी 20% ही ज्यादा है, क्योंकि क्या बोला है, ए बी का 120% है। ए अगर बी का 120% है तो मतलब 20% ज्यादा है, यही मतलब हुआ इसका, सिंपल। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इट। अब इस एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए मैं सिंपल सा एक काम कर सकता हूं, मैं यहां 100 से चलूं, ठीक, 100 से चलोगे तो 125 बनेगा। अगर आप 100 से नहीं भी चलना चाहते हो तो आप 5 से चलो, 4 से चलो, बी को आप 4 मान लो तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि 25% मतलब 1/4 बढ़ जाना, 4:5। फिर 20% बढ़ाया, 20% में रेशियो बनता है 5, 1/5 से बढ़कर 6 बन जाता है। अब 6 फिर से 20% से बढ़ रहा है, 20% 6 का 1.2 होगा, 1.2 होगा, 6 का 20% 6/5 होगा 1.2, तो ये वैल्यू 7.2 हो गई। ए प्लस सी निकालना है तो 7.2 + 5 बनेगा, बी प्लस डी निकालना है तो वो 6+4 बनेगा, इसको 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 7, 5, 12.2/10 × 100, बस ये हो गया आपका 122%। वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 122%, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन मार्क योर आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ? ओके, नहीं नहीं, करने को 100 लेके भी कर सकते हो, बट देखो 100 लेने का एडवांटेज क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर डी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना होता मुझे, तब तो नीचे डी 100 लेके कुछ फायदा होता? मुझे अल्टीमेटली नीचे बी प्लस डी लिखना है, तो वो 100 नहीं रह जाएगा, समझ में आएगा? नहीं, मानने को तुम कुछ भी मान सकते हो, बट 25% में बेसिक रेशियो 4:5 होता है, इसलिए मैंने 4 से शुरू किया, छोटे छोटे नंबर है, इससे भी इजी हो सकता है। बताओ क्या कैसे करें इससे इजी करने के लिए? 100 मान के एक बार बताऊं, बुरा मत मान, 100 लिखने में 4 लिखने का 3 गुना वक्त लगता है, ये पता है तुमको? 1 character takes half second टू राइट। तो जब जब तुमने 100 लिखा, तुमने 3 character लिखे, मैंने 1 लिखा, मैं 1/3 टाइम ले रहा हूं तुम्हारा। तुमने यहां 100 से जाके 25 में बढ़ा के 125 लिखा, तुमने फिर से 3 character लिखे, मैंने 1 character लिखा। तुम 125 को 20% बढ़ाओगे, 25 बढ़ाओगे, यहाँ 150 लिखोगे, तुमने फिर से 3 character लिखा, मैंने 1 character लिखा। तुम इसको 20% बढ़ाओगे, 30 बढ़ाओगे, तुमने यहाँ 3 character लिखा, मैंने यहाँ 3 character लिखा। तो भी मैंने यहाँ तक तुमसे कितने करेक्टर कम लिखे हैं? 9, दो करेक्टर, 6 character कम लिखे हैं, 3 second तुमसे आगे हूँ मैं। फिर तुम यहाँ खुद पेन मचाओगे, तेज है मुझसे नहीं, ठीक है। तो 100 हमेशा तेज नहीं होता है, तो 5-7 second का अंतर तो खाली लिखने से आ जाएगा कि तुम ज्यादा डिजिट्स लिख रहे हो। ओके, समझे कि नहीं? ओके, तो ऑलवेज इवैल्यूएट, इट्स नॉट लाइक यू, अगर ये डेसिमल में बहुत कॉम्प्लेक्स होता तो मैं उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी पिक्चर में लाता कि यार कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए स्लो है, तो 100 लेना आसान है, कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं ना। 6 को 1.2 बढ़ा के 7.2 लिखने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है,
ठीक है, देर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ लोग कह रहे हैं रेशियो क्यों नहीं लिए, रेशियो में कहाँ रेशियो नहीं लिए, क्या रेशियो लेना है, किस चीज का रेशियो लेना है, ये क्या है, ए प्लस सी बटा बी प्लस डी कर तो दिया जो चाहिए था, ए प्लस सी बटा बी प्लस डी 100 से गुणा भी कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है फिर, 100 मान के कर लेना घर पे जाके, ठीक है, 100 मान लेना घर पे कर लेना, छोड़ रहा हूं तुम पे। 17वां सवाल देखिए, चलो 17th क्वेश्चन। एक्स परसेंट ऑफ वन अपॉन वाई इज इक्वल टू 1% ऑफ वन अपॉन जेड, वाई परसेंट ऑफ वन अपॉन जेड इज इक्वल टू 1% ऑफ वन अपॉन एक्स, जेड परसेंट ऑफ वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ वन अपॉन वाई, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, अच्छा पता नहीं क्या हो गया, मैं एसी चला रहा हूँ तो मुझे ठंडी लग रही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी, एसी नहीं चला रहा हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है थोड़ी देर में, थर्मामीटर से चेक कर रहा हूँ तो बुखार भी नहीं आ रहा है और अंदर से बुखार भी लग रहा है, अजीब विडंबना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, खुद लगता है कि बुखार है, अब घर में जाके पूछ लो कि मुझे लग रहा है बुखार है, झूठ बोल, कोई बुखार नहीं, अंदर से लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके तो देखो इसका मतलब क्या है, पहले एक एक्सप्रेशन लिखा, देखो ये एक्सप्रेशन जो होते हैं बेटा ये साइक्लिक होते हैं, जैसे देखो यहां क्या है, एक्स वाई जेड, y z x, z x y, मतलब देखो ऐसे साइक्लिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, कि अगर x है तो जैसा y और z के साथ हो रहा है तो जब y होगा तो वैसा ही z और x के साथ होगा, जब z होगा पहले तो वैसा ही x और y के साथ होगा, इसको बोलते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से हम बस ये निकालेंगे, बाकी एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक आइडेंटिफाई कर लिया ना हमने, x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x, है ना। फिर देखो यहाँ पर y की जगह z, z की जगह x, x की जगह y, देखो x की जगह y हो, y की जगह z हो, z की जगह x हो, तो साइक्लिक है। तो मैं पहला एक्सप्रेशन लिखूंगा बस, और उससे सारे एक्सप्रेशन अपने आप लिख जाएंगे। x परसेंट ऑफ 1 अपॉन y जो होगा बालक, वो 1% ऑफ 1 अपॉन z के बराबर होगा। अब ये परसेंटेज का साइन कट सकता है, आपको पता ही है, तो ये x बटा वाई बनेगा और यहाँ 1 अपॉन z बन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनी, एक्स जेड अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू वाई। अब क्या क्लियर हुआ कि दो वेरिएबल का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है। अब मुझे पता है अगले में अगर मैं जाऊंगा तो यही चीज क्या बनेगी, साइक्लिक है, तो x की जगह y बन जाएगा, z की जगह x बन जाएगा और y की जगह z बन जाएगा। तीसरे में जाओगे तो y की जगह z बन जाएगा, x की जगह y बन जाएगा, z की जगह x बन जाएगा, ये तीन एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी सिंपली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आंसर क्या आया, ए ऑप्शन, ठीक है। ये सब इतना सोचना ही नहीं था, ये देख के आप आंसर लगा लेते कि एक वेरिएबल बाकी दोनों का प्रोडक्ट है तो तीनों का सम इसके बराबर होगा, ठीक है, जस्ट बाय साइक्लिसिटी हम लगा सकते हैं कि हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। ओके क्लियर है सभी को, एक्स परसेंट ऑफ वन अपॉन वाई परसेंटेज कटा, एक रिलेशन आ गया ना, एक्स इंटू जेड बराबर वाई, यही काम आप दूसरे में करोगे तो वाई इंटू एक्स बराबर जेड आ जाएगा, यही काम तीसरे में करोगे जेड इंटू वाई बराबर एक्स आएगा। एलजेब्रा में आप साइक्लिसिटी को और सीखेंगे, अभी थोड़ा कम शायद सीख रहे होंगे साइक्लिसिटी को, तो ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, 18वां सवाल देखिए, कह रहा है एक फ्रैक्शन दिया हो उसके न्यूमरेटर को अगर हम 25% बढ़ाएं और डिनोमिनेटर को अगर हम 31/4% बढ़ाएं तो ये 5/14 हो जाएगा, आपको बताना है फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। तो यहां न्यूमरेटर है, यहां डिनोमिनेटर है, आप करो इस न्यूमरेटर को हम 25% से बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर को हम 31 1/4% से बढ़ाएंगे, तो ऐसा करने से ये फ्रैक्शन 5/14 हो जाएगा, आपको बताना है कि वो फ्रैक्शन है कितना। अच्छा सवाल, तो पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस का, देखो जैसे कोई भी चीज अगर 25% से बढ़ेगी बेटा तो बताओ कितने गुना हो जाएगी, ये सब रिएक्शन बहुत तेज करिए, कोई भी चीज अगर 25% बढ़ती है तो वो 5/4 गुना हो जाती है, 5/4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, क्लियर। 1/4 से बढ़ी कितने गुना हो गई, 5/4 टाइम्स हो गई। अच्छा कोई चीज अगर 31 1/4% से बढ़ी तो 31 को 4 से गुणा करोगे 124 बनेगा, एक जुड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन तो ये बनेगा 125/4%, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेट करूं तो 125/400 बनेगा, अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो ये 25 का 5 गुना है और ये 25 का 16 गुना है, 400 जो होता है ना ये 25 का 16 गुना होता है, सीधा सीधा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ध्यान ही रखना है इसको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। 5/16 गया, अब कोई चीज अगर 5/16 से बढ़ती है तो कितना गुना हो गई,
21 बटे 16 गुना हो गई। इसका मतलब है टाइम्स, इसको बोलते हैं टाइम्स। बिजनेस लैंग्वेजेस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है कि किसी के यूजर्स 2x हो गए, 2x का मतलब दो गुना, वही मैं लिख रहा हूँ, 5/4 गुना, 21/16 गुना। अब यहां जाओ और आप बोलो कि मेरा न्यूमरेटर 5/4 गुना हो गया, मेरा डिनोमिनेटर 21/16 गुना हो गया, ठीक है। और मुझे बताओ कि ये वैल्यू अगर 5/14 है तो क्या आंसर है, 5 से 5 कट गया, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ये जो 4 है ना, ये 2 से कट के 2 × 4 बनेगा, ये कट के 2 × 8 = 16 बनाएगा। तो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर अगर आप यहाँ से निकालोगे ना, तो ये वैल्यू यहाँ 3 × 8 है ना, ऊपर जाके 8/8, यहाँ 3/8 बन जाएगा। कल मैंने मैंने पढ़ाया था आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लायर, हर्षवर्धन जी कल, उसको ठीक से देख लीजिएगा लेक्चर एक बार, वहीं से बना कि कोई चीज़ अगर 5/16 से बढ़ेगी तो 16 से बढ़ के 21 हो गई, यानी 21/16 गुना हो गई। ये सब रिएक्शंस तेज करने पड़ेंगे, ठीक है। रिचुअल्स भी आपको मैंने दिए थे, मल्टीप्लायर लिखना, ठीक है, ये सब जरूरी है, करना पड़ेगा आपको। आंसर आ गया 3/8, ठीक है। चलो ये सवाल आप करिए, मैं थोड़ा एक वॉक करके आता हूँ, डॉक्टर ने भी बोला थोड़ा थोड़ा हर 30 मिनट पर थोड़ा वॉक कर लिया करो, तो मैं ना 1 मिनट वॉक करके आता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सवाल आता हूँ मैं तुरंत आ जाऊंगा वॉक करके, स्पाइन को घुमा के आना। ओके देखो ध्यान से बेटा, ए मैन मल्टीप्लाइड हिज अमाउंट बाय 7/5 इंस्टेड ऑफ 3/4, परसेंटेज चेंज इन हिज अमाउंट, कितना प्रतिशत बदलाव हो गया उसके अमाउंट में इसकी वजह से। अब देखो, किसी को अगर अपने अमाउंट को 3/4 से मल्टीप्लाई करना था और उसने 7/5 से कर दिया, तो मैं उस अमाउंट को ऐसा करता हूं कि शुरू में 4 और 5 का एलसीएम मान ले, मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, बट 4 और 5 का एलसीएम मानने से फायदा ये होगा कि कट जाएगा आसानी से। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 15 आएगी। तो ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि तुमने 7/5 से मल्टीप्लाई किया, 7/5 से 5 × 20 और 4 × 7 = 28 हो गई ये वैल्यू, ये हो गई। तो इससे कितना परसेंटेज चेंज आ गया ये आपको समझना है, आपको 13 का बदलाव आ गया, 13/15। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा 15/7 = 135 होता है, तो मेरा आंसर ए होगा, क्योंकि आंसर 70 से 80 के बीच में होगा। 10% रेंज आप तुरंत देखना शुरू कर दो आप सवालों में, क्या ये सही लगाया मैंने, गलत है ये, 15/7 = 135 कब से होने लगा, ठीक है, कोई लग रहा है हाँ, अरे 15/8 = 120 होता है और 15/9 = 135 होता है, तो ये 80 से 90 के बीच में है, 80 to 90% के बीच में, तो मेरा आंसर 80 से 90 के बीच में, तो आंसर बी होगा, पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 15/8 = 120, 15/9 = 135, तो ये क्लियर हो गया ना, 80 से 90 के बीच में मेरा आंसर है, ठीक है, तो आंसर बी ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। एग्जैक्ट निकालना है तो आप कहोगे इसको लिखेंगे 1300/15, 100 से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे तो
सौ से गुणा कर लेंगे तो पाँच से डिवाइड करेंगे, पाँच से पंद्रह बनेगा, और पाँच का मतलब वही होता है दस बटे दो, है ना, पाँच से डिवाइड करना है, दो से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, दस से डिवाइड कर देना, दो सौ साठ बनेगा। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको, तीन अट्ठे चौबीस, बीस बटे तीन, तीन छः अट्ठारह, दो बटा तीन परसेंट हो गया। पंद्रह से अट्ठाईस का क्या सीन है? कोई सीन नहीं है, सीन क्या होता है, ठीक है, ओके। मैंने कहा मैंने बीस वैल्यू मान ली, और बीस वैल्यू माना तो जिससे गुणा करना था तीन बटे चार से, तो पंद्रह आता, सात बटे पाँच से कर दिया तो अट्ठाईस आया, तो ये परसेंटेज बदलाव मैंने देख लिया, एक तरीका। अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके पर, इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका यह है कि आप कहो कि मेरी वैल्यू एक्स है, अगर आपने उसको तीन बटे चार से गुणा करना था, तीन बटे चार एक्स करना था, और आपने सात बटे पांच एक्स कर दिया, एक्स एक्स काट दो, वैल्यूज का रेशियो क्या होगा इस स्टेज पे? अगर दो फ्रैक्शंस हो और इनका रेशियो लिखना हो तो ये पांच को तीन से गुणा करके इधर लिख दो, चार को सात से गुणा करके इधर लिख दो, यही इनका रेशियो होता है। यहां से भी आप निकाल सकते हो, तेरह अस्सी से नब्बे के रेंज में कैसे हुआ, कैसे पहाड़ा पढ़ते हो आप? पहाड़ा वैसे पढ़ते हो ना कि ये तेरह है और ये पंद्रह है। पहली बात तो परसेंटेज का एक सेंस आना हो चाहिए आपको, जैसे ये अगर पंद्रह होता तो सौ परसेंट होता कि नहीं होता? यस, ये पंद्रह नहीं है, तेरह है। पहाड़ा पढ़ेंगे अगर हम सौ से गुणा करके, मैं गुणा कर ही नहीं रहा हूं, सौ से गुणा करके अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो, ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे? पंद्रह अट्ठे ही जाओगे ना पहले आठ बार, क्योंकि तेरह लिखा हुआ है। तो जैसे मुझे पता है कि मैं आठ बार ही जा पाऊंगा, और मुझे पता है सौ से थोड़ा कम है, तो ये अस्सी से नब्बे के बीच में हुआ ना, पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस होता है, पंद्रह नब्बे एक सौ पैंतीस होता है, आठ से नौ अस्सी से नब्बे हुआ, क्योंकि ये वैल्यू सौ के करीब है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी आठ परसेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी नौ परसेंट, इट इज गोइंग टू बी अस्सी से नब्बे परसेंट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने ये भी करके दिखाया आपको कि तेरह बटे पंद्रह इंटू सौ कर लो आप, तो ये वैल्यू तेरह सौ बटे पंद्रह होगी, तेरह सौ बटे पंद्रह को पाँच से डिवाइड किया तो दो सौ साठ बटे पाँच होगी, दो सौ साठ बटे तीन होगी, और इसको फिर मैंने फर्दर सॉल्व किया, तीन अट्ठे चौबीस, तीन छः अठारह, दो बटा तीन परसेंट, तो आप इस तरह से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बीस, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल की भाषा में थोड़ा करेक्शन करूंगा क्योंकि वरना सवाल में फंस जाओगे तुम, तो इसकी भाषा में करेक्शन करना है, इस सवाल की भाषा में करेक्शन करते हैं पहले। ये काट दो, इसको काट दो, ऐसा इसको भी काट दो, सही कर रहा हूं मैं, इस सवाल को थोड़ा सा इसमें करेक्शन के लिए है, बिकम्स 175 बटे 144 टाइम्स, यहां लिखूंगा बीच का अंतर 175 बटे 144 गुना हो जाता है, ऐसा लिखो। सवाल समझाता हूं पहले, ये सवाल ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से वो नंबर है x माइनस वन अपॉन एक्स, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर क्या होता है? अगर मेरे पास एक नंबर है मान लिया x, तो x का अगर मुझे रेसिप्रोकल लिखना हो, रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ x इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का अंतर पहले इसकी बात की गई है, फिर कह रहा है यही अंतर आप इस संख्या को 20 प्रतिशत बढ़ा के निकालो, ठीक है ना, कि यही अंतर अगर 20 परसेंट बढ़ा के इस संख्या को हम निकालेंगे तो वो 175 बटे 144 गुना होगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं यही अंतर अगर इस x को 20 परसेंट से बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा, 6 बटे 5 x हो जाएगा कि नहीं? 20 परसेंट कोई संख्या जब बढ़ती है, कोई संख्या अगर 20 प्रतिशत बढ़ जाए तो वो 6 बटे 5 गुना हो जाती है, यस। तो मैंने कहा 6 बटे 5 x माइनस उसका उल्टा क्या बनेगा, 5 बटे 6 x बनेगा, x नीचे आएगा, तो 6 x by 5 माइनस 5 by 6 x बनेगा। तो कह सवाल ये रहा है बेसिकली कि ये जो डिफरेंस आएगा, पहले जो डिफरेंस था उसका 175 बटे 144 गुना है। तो ये सिंपल सी एक इक्वेशन तो नहीं है, इक्वेशन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 6 पंचे 30 एक्स आपका एलसीएम बनेगा, इधर लिखा मैंने, ये वैल्यू बनेगी आपकी 36 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 25 बनेगा, ये ऐसा, ये वैल्यू आपकी बनेगी 175 बटे 144 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा,
फिर हम जाएंगे और काटने की कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे 6 से ये वैल्यू कट जाती है, 6 दुनी 12, 6 चौके 24, 24 बन जाती है, और ये 6 पंचे 30 बन जाती है, ठीक है। अब 24 को ले जाके मुझे इधर गुणा करना पड़ेगा, ले आते हैं। अब पुट ऑप्शन पे बाद में आएंगे काफी जी, पहले रुकिए, पहले इसको सॉल्व करिए। ये पुट ऑप्शन में बताता हूँ क्या धोखा है, एक गलत फहमी हो जाती है लोगों को ऑप्शन रख के, ठीक है, वो अभी दूर करते हैं, थोड़ा रुकिए। तो ये बनेगा 36 इंटू 24 एक्स स्क्वायर माइनस, 24 से गुणा कर रहा हूँ, 24 इंटू 25 इक्वल्स टू 175 को 5 से गुणा करेंगे, 175 को अगर आप 5 से गुणा करें तो आपकी वैल्यू आती है 875, एक्स स्क्वायर माइनस 875 बनेगा। मैं इस इक्वेशन को अब यहाँ लिखूंगा, 36 इंटू 24 को कैसे निकालेंगे, ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन देखना। सर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो छोड़ दें संजय जी, बोलिए तो इतना अधैर्य होकर अगर आप बैठोगे बेटा तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे कभी। क्या आपको लगता नहीं कि मुझे ऑप्शन में वैल्यू रखना नहीं आती है? आती होगी, हम पहले वो वैल्यू रखवा के जा सकते हैं, हम बोले हो गया, बट तुम अधैर्य के साथ बैठे हुए हो। जब एग्जाम में एग्जाम का ये सवाल अभी है ही नहीं है तो अधैर्य किस बात की, सीखो, ठीक है, सीख लो ना अभी, ठीक है, सीख लो, फिर आते हैं तुम्हारे ऑप्शन की भी धज्जियां उड़ाते हैं और बताते हैं कि कहां धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ ऑप्शन से। ये 30 प्लस 6 है और ये वैल्यू 30 माइनस 6 है, तो ये आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीखो पहले। 30 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी से, 900 माइनस 36 क्या होता है आपका 864, ठीक है, माइनस 24 इंटू 25 क्या होता है किसी को पता है, 600, तो ये इतना एक्स स्क्वायर है माइनस 600 है, 875 एक्स स्क्वायर है माइनस 875 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, आपको मिलेगा 11 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 275, यहां से एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे आएगा 25, यहां से x सॉल्व करोगे आएगा 5, ठीक है, आएगा कि नहीं, आंसर हो गया 5, क्लियर। अब देखिए ये सवाल आप मुझसे पूछो कि कितनी देर का है, राइट, क्लियरली अगर इसको हम ट्रेडिशनली इसी तरह से सॉल्व करें तो कितनी देर का है, कोई बहुत लंबा, पहली बात तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, इफेक्टिवली आपको इसको फैक्टराइज नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि x का टर्म कट गया और सिर्फ x स्क्वायर का टर्म ही बचा, तो इट्स लाइक ए लीनियर इक्वेशन, इट्स लाइक ए लीनियर इक्वेशन, इट्स नॉट, फैक्टराइज नहीं कर रहे हो आप, आपको x स्क्वायर की वैल्यू मिली आपने x निकाल दिया सीधे, ठीक है। तो इफेक्टिवली मेरे हिसाब से किसी की अच्छी प्रैक्टिस है तो लिटिल ओवर 1 मिनट वो सवाल कर देगा इसको, ठीक है, 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, चलो 1.5 मिनट मान लेते हैं तुम्हारे कहने से, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या घोटाला है ये मैं आपको समझाता हूँ, ऑप्शन में घोटाला ये कि तुमने एक्स को 5 क्यों रखा, पहले तुम्हें पूछूंगा, तो तुम कहोगे सर यहां 5 दिख रहा था तो मैंने 5 रख दिया, क्या इसका कोई लॉजिक है आप मुझे बताओगे, इज देयर एनी लॉजिक फॉर दिस, कि यहां एक्स 5 है और यहां 5 है तो हम 5 रख के चेक कर रहे हैं, कोई इसका लॉजिकल रीजन है, नहीं, बस हमने रखा और फिट हो गया, तो संयोग बस तुमने एक ऑप्शन उठाया और रखा और वो फिट हो गया, नहीं होता तो तुम फिर कोई और ऑप्शन उठाते, मे बी 7.5 उठाते या 2.5 उठाते, मान ले वो भी फिट नहीं होता, फिर एक और उठाते, 3 बार आप वैल्यूज रखते, हो सकता है वर्स्ट केस में तब जाके आपको सही उत्तर मिलता, और 3 बार इस वैल्यू को रखने में आपको टाइम और ज्यादा लग जाएगा देन जितना आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगा, पहली बात, ठीक है। तो 5 का सही हो जाना इस सवाल में महज एक संयोग है, संयोग बस आपकी वैल्यू मैच करी, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस वैल्यू को चेक मत करो, अगर आपका इंक्लिनेशन है कि यार यहां 5 है यहां 5 है, शायद 5 के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि 5-5 कट जाएगा, शायद एग्जामिनर ने वैल्यू ऐसी ली होगी कि 5-5 यहां कट जाए 5-5 यहां कट जाए, तो 5 रख के चेक कर लेते हैं, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो हम ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे, फिर हम अगली वैल्यू चेक नहीं करेंगे बैठ। तो कभी भी ऐसे सवालों में सिर्फ ऑप्शन से रख के खुश तो कभी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि जैसे लोगों ने बोला ऑप्शन से 5 आ गया मेरा और खुश है, ये खुशी बहुत ही गंभीर बीमारी है। ऑप्शन में या तो कोई लॉजिक हो डीप जो आप बताओ मुझे कि 5 क्यों रखा आपने, कोई लॉजिक नहीं है, है ना, रख रहे हैं और तुक्के से सही हो जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए यू हैव टू लर्न द करेक्ट प्रोसेस ऑल्सो, क्योंकि करेक्ट प्रोसेस का फायदा क्या होता है कि कई बार 1-1.5 मिनट और सवालों में, हर सवाल में 1 मिनट नहीं लगता है, कुछ सवालों में 1 मिनट से कम लगता है, कुछ सवालों में 1 मिनट से ज्यादा लगता है, तो वो बैलेंसिंग हो जाती है, कुछ सवाल लंबे होते हैं उनके लिए टाइम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन जिनकी आदत ही नहीं है सब करने की ना, जैसे मैं ये कर रहा हूं तो कई लोग बिखर गए तुरंत ही, सर कोई और तरीका है क्या, पहले ही बिखर गए, तो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं है इसको देखने का, और जिसके अंदर ये देखने का पेशेंस नहीं है वो एग्जाम में कभी ये चीज कर ही नहीं सकता है, वो बिखर जाएगा, उसका दिमाग जब इस क्लास में बिखर रहा है, अभी इसको देखने में सिर्फ वो बिखर रहा है, मन नहीं लग रहा है उसका, कोई दूसरा तरीका बताओ, वो एग्जाम में खाक करेगा इसको,
इसलिए बोरिंग प्रोसेसेस पे भी कभी कभी वक्त लगाना है, लगाना पड़ेगा। मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ना, मैं भी ऑप्शन चेक करा के बोलता सी है खत्म, तुम सवाल भी नहीं करते, ठीक है। बट ऑप्शन को भी समझना पड़ता है कि ऑप्शन क्यों है क्यों नहीं है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि पांच आप मत रखो, बट इस ज्ञान के साथ रखो कि पांच रखने का कोई लॉजिक नहीं है। बट हम तिकड़म लगा रहे हैं कि शायद पांच ही होगा, पांच से पांच कट रहा है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे, ठीक है। चलो आओ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कुछ सवाल देखते हैं। सवाल पढ़ो, उत्तर बताओ। सिंगल डिस्काउंट बताना है जो कि इक्विवेलेंट होगा दो सक्सेसिव डिस्काउंट के, 20 और 15। सक्सेसिव देखो डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है ना, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, डिस्काउंट परसेंटेज परसेंटेज डिक्रीज ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं दो डिस्काउंट परसेंटेज मेरे पास है 20 और 15 के, तो आपका मतलब है दो परसेंटेज डिक्रीज है मेरे पास, इनका सक्सेसिव मान हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा के भी सवाल को कर सकते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो आप फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 सीधे लिख सकते हो, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू डालो बस। अगर दोनों डिस्काउंट है तो 20 प्लस 15 माइनस 300 बटे 100, 35, 3, 32। ये कैसे किया मैंने, बेसिकली आप ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, अगर ये वाला ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला, तो इसमें ए को माइनस 20 रखोगे, इसको माइनस 20 रखोगे, माइनस 15 रखोगे, फिर ये प्लस में आ जाएगा तुम्हारा 300 बटे 100, दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन दोनों को पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप सोच सकते हो कि अगर दो डिस्काउंट परसेंटेज है मेरे पास, ऐसे ध्यान रखो, एक D1% का डिस्काउंट है, एक D2% का डिस्काउंट है, तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज हमारा इतना होगा, दोनों डिस्काउंट होने चाहिए, ध्यान रखना बस। तो ये फॉर्मूला होगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। दूसरा, आप इसी चीज को ना उससे भी करते जाओ, ठीक है। दोनों परसेंट माइनस क्यों है सौरभ बाबू, ये क्या लिखा है मैंने, ऐसा मत बोलो यार आप लोग कि मैं दुखी होकर रोने लगूं। यहाँ पर मैंने अभी बोला डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब परसेंटेज डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब ही नेगेटिव होता है। आपने कभी किसी दुकान पे देखा है बेटा कि वो बोले कि आओ तुम्हें 1500 की जीन्स को 300 रुपए डिस्काउंट दे रहा हूं, 1800 रुपए दो, कभी देखा है ऐसा आपने? तो जब रियल लाइफ में तुम इतने बेवकूफ नहीं हो, तो मैथ्स पढ़ते समय इतने बेवकूफ क्यों हो जाते हो? इसका कारण है, मैं बता रहा हूं, इसका सिंपल सा कारण यह है कि मैथ्स पढ़ते समय अपना दिमाग आप बंद कर देते हो, क्योंकि आपने मैथ्स कभी पढ़ाई ही नहीं है दिमाग खोल के। आपको डिस्काउंट का मतलब पता है, बस दिमाग बंद है तुम्हारा। 1500 की जीन्स पे कोई 300 रुपए का डिस्काउंट दे दे तुमको और 1800 रुपए तुम देके आ जाओ जिस दिन, मान लो कि तुम्हें नहीं आता डिस्काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, सब आता है तुमको, लेकिन दिमाग बंद करके बैठे हो तुम, ठीक है। खोल लो जरा उसको, ऐसे ठोको, ऐसे 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 मारो दो चार हाथ। हाँ जी, बत्तीस फीसदी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। 22वां सवाल देखिए, नेट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव परसेंटेज, इंक्रीज है ये दोनों 10 और 5 का, 10 और 5 का इंक्रीज दिया हुआ है आपको, ठीक है। कितना होगा देखो, एक चीज को लॉजिक सोचो आप, दोनों जब इंक्रीज होंगे तो आंसर 15 से बड़ा होगा, ये तो नहीं होना है, ठीक है। अब मैं एक मजेदार बात बता रहा हूँ कि आंसर डी ही होगा, क्यों, मतलब ये प्योर फटाक से आप लगा सकते हो डी ऑप्शन बिना कुछ किए हुए। ऑल तो बहुत आसान है, 10 + 5 + 10 × 5/100, 15 + 10.5, 15.5। मैंने ऐसे फट से कैसे लगाया डी, देखो दो लॉजिक मैंने आपको पढ़ा है कि जब दोनों इंक्रीज होता है 10 और 5, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 15 से बड़ा होगा, याद है ये पहली बात। 15 से बड़ा तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। एक बात और ध्यान रखना आप, अगर मैं 2 10% ले लेता हूं तो वैल्यू क्या आती है, ये सभी को याद रहता है और याद होना चाहिए। 2 10% मुझे 21% देता है, मतलब 2 बार 10 लेने पे 20 से 1 एक्स्ट्रा होता है। अगर मैंने 1 10 लिया और 1 5 लिया, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो 1 नहीं हो सकता है, 1 तो 10 और 10 पे आता है, यहाँ तो 1 ही 10 है, तो 1 से कम होगा। तो 15 से 16 के बीच में मेरा आंसर होगा, आंसर होगा डी। इसको बोलते हैं रेफरेंस यूज करके, हाफ नहीं होगा नितिन, हाफ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता कि 5% है तो हम हाफ कर दें। उसके लिए आप थोड़ा और अंदर जाके देखोगे कि यहाँ क्या प्रोसेस होता है इसलिए हाफ है, नहीं उस लॉजिक से हाफ नहीं होता है, ठीक है, वो आपका गलत भी हो जाएगा कहीं और जाओगे तो, ठीक है। आपको बस ये सोचना है कि 15 से 16 के बीच में होगा, 1 से तो कम होगा, बस दैट्स इट। तो आंसर मेरा डी होगा, मियर ऑब्जर्वेशन कैन गिव द आंसर डी। ये चीजें अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इंट्यूशन लेवल पे चीजें होने लगेंगी आपके साथ। जैसे मेरे साथ ये है कि मैं 4 ऑप्शन ग्लांस करूंगा और ये वैल्यू पढ़ूंगा, मैं लगा दूंगा डी, मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। दिस विल हैपन विद यू धीरे धीरे करके, मेहनत करते रहो। बाकी फॉर्मूला भी जानते हैं, वो भी लगाना सीखना है, ऐसा नहीं कि उसको भूल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट में कुछ भी हो सकता है वो ठीक है तो, बट ऑप्शन में कहां दिया हुआ है कोई और चीज, यही तो अप्रोक्सीमेशन कहलाता है नूपुर जी। आप ये जान लो कि वैल्यू 15 से 16 के बीच में, बस ठीक है, दैट्स एनफ फॉर यू, ठीक। शादी जी करिए, अब रहने दो, कैसे बेटा,
आपके मास्टर को ऐसा लग रहा है कि उसको बुखार है, और अगर मैं चाहूं तो मैं क्लास कैंसिल करूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मेरे स्पाइन में भी दर्द हो रहा है 7 दिनों से, तब भी हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें बैठ के 2 घंटे की क्लास, आप क्यों इतना जल्दी थक जाते हो? आप थको तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लो, मुझे क्यों मजबूर करते हो? रिवाइज इतना क्वेश्चन करना है, ये सब लॉजिक मुझे मत दो नितेश, वरना कोर्स 1 साल में खत्म नहीं होगा, है ना? ऐसे तो तुम कहोगे हमें कुछ पढ़ाओ ही ना, 20 मिनट पढ़ाओ बस रोज, ऐसे होता है क्या? घिसना पड़ेगा बेटा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? सिलेक्शन दिलाना है तुम लोगों को टॉप रैंक के साथ, कान पकड़ के पढ़ाऊंगा, क्या करूं? और अंकित पढ़ ले, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, पता है तुमको? मैं बताऊं आपको एक बहुत ईमानदारी की बात बताता हूं, अध्यापकों को बच्चों की चैट से भी कई बार समझ में हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आवाज आ गई ना अभी? ठीक है, सो मैं ये बोल रहा था अभी कि कुछ बच्चों की चैट पढ़ के, क्योंकि रेगुलर वो क्लास में आते हैं, रेगुलर हैं, लेकिन उनकी चैट्स का जो नेचर होता है ना, उससे ये समझ में आ जाता है कि इनकी समस्याएं क्या है, कहाँ कितना भटके हुए लोग हैं, ठीक है? 2-3 महीने में ये भी समझ में आने लगता है कि कौन नेक्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा है, यही पता चल जाता है, और कौन इस अटेम्प्ट में रैंक लाने वाला है। कोर्स खत्म खत्म होते होते ये भी समझ में आ जाता है कि कौन कितनी रैंक लगभग लेके आएगा, मास्टर इतना जान जाता है, दुखी हम बोलेंगे नहीं आपको कभी, ठीक है? तो बस ये सुझाव उन लोगों को दे रहा हूँ कि भी कोर्स की शुरुआत हुई है तो इतने भटकाव भरे प्रश्न ना पूछें। अभी आप कह रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोर्स में, फिर आप कहीं और कुछ बात करने लगे उससे जिसका इस क्लास से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में 50 कूड़ा करकट जो चल रहा है ना, वो सिलेक्शन तुम्हें नहीं दिलाने वाला, ठीक है? भटके हुए लोगों को भटकना पसंद है, इसलिए भटके होते हैं, सीरियसली, दे जस्ट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखना, आप कितना भी जाके किसी को बोल दो कि मैं जिंदगी में ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता था, मेरे को किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं ठीक से, कोई आपके एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला है। लड़के जिंदगी में कुछ हासिल कर लो, वरना बेटा जिंदगी बहुत मुश्किल है, अभी मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी बाद में इतना मेहनत करा लेगी ना तुमसे, ना चाहते हुए मेहनत करोगे, क्योंकि तब मामला रोजी रोटी का होता है, ठीक है? इसलिए बेटा अभी प्लीज बहुत फोकस होकर पढ़ो, ये दिन ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता, मालूम नहीं चलेगा आपको, दिसंबर आ जाएगा, इन्हीं में से कुछ बच्चे अच्छी रैंक निकाल लेंगे, ठीक है? और आप फिर अगले साल जाओगे, तो वो दिन ना आए तो अच्छा है, लड़ लो, ठीक है? आ जाओ, जब 100% फोकस क्लास में रहेगा ही नहीं तो तुम कैसे सीखोगे? सीखोगे क्या? नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ कई लोग हैं जो फोकस क्लास में नहीं है, बैठे हैं, दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, घूम रहा है, दिमाग भागता है, बट जल्दी से वापस लाके क्लास में लगाना होता है फिर से, लेकिन दिमाग भटक रहा है, उसी भटके हुए दिमाग से आके 2 सवाल भी डाल दिए कि बाहर का कोई मुद्दा है वो लाके क्लास में चेक दो, क्योंकि इनको लगता है हम सर रिएक्ट करेंगे, है ना, तो इनको और मजा आएगा, थोड़ा टाइम सबका वेस्ट होगा, मैंने किया भी रिएक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अभी शुरुआत है बैच की, धीरे धीरे करके हम भी इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है किसको आगे जाना है किसको नहीं जाना है। बुद्ध जी ने कहा ये बात कि कोशिश शुरू में करो कि सबको साथ में लेके चलो, फिर जो साथ में नहीं आना चाह रहा है उसको छोड़ के जो साथ में आ चुका है उसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है? तो तुम्हें मुझे पकड़ना है, मुझे तुम्हें नहीं पकड़ना है, ध्यान रखना। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड x% इज 24 द नेक्स्ट वैल्यू, ओके, 20% x%, ये डिस्काउंट हमारा 24% डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है? आप ऑप्शन से भी इस वैल्यू को देख सकते थे कि आपका आंसर 5% है, क्योंकि 20, 5, 25 और 20, 25 और 1 बन जाएगा, तो वो 25, 1, 24 बन जाएगा, बट 5 सीधे कैसे पकड़ोगे इसका अगेन कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? No such logic for this. So I have to write in a proper way. 20, 100 लिखा मैंने, 100 को 20 कम किया 80 लिखा, 100 को 24 कम किया मैंने 76 लिखा। अब 80 से 76 कितना डिक्रीज है? 4 का डिक्रीज। 4 का डिक्रीज 80 के बेस पे कितना परसेंट है? आपको 1/20% है फ्रैक्शन में, तो ये 5% के बराबर होता है, इसलिए मेरा आंसर क्या है? खैर बाद में क्या होगा बेटा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना थोड़ी सी, तो इंट्यूशन से आप सही ऑप्शन पकड़ के चेक करना शुरू करोगे, ये होगा। जो दिमाग का एक लेवल होता है ना इंट्यूशन, ये लेवल लॉजिक के बियॉन्ड है, ठीक है? दिस इज बियॉन्ड लॉजिक, ऑल राइट? जैसे मुझे नहीं पता आपने चीजें महसूस करी है कि नहीं, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने एक दो बार ऐसे दिमाग में आया कि somebody is at the door, घंटी बजी and he is at the door, हुआ है आपके साथ? कई बार होता है लोगों के साथ, इसको बोलते हैं इंट्यूशन।
इट इज बियॉन्ड लॉजिक, यू हैव नो आइडिया बट यू जस्ट समथिंग केम टू योर माइंड, इट इज जस्ट इंट्यूशन. सो इंट्यूशन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, राइट? ओके, इंट्यूशन को कोई डेवलप नहीं कर सकता है, बट मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है, वो अगर मैथ्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि दिमाग के बहुत सारे तल हैं, और अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हो, कि कुछ लेयर्स ऐसी हैं शायद जो आप यहाँ कैलकुलेशन करने बैठे हो, और वो लेयर बहुत फास्ट उस स्टेप को स्किप करके आपका अट्रैक्शन एक नंबर की तरफ बढ़ा देती है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से कहो कि मैं इंट्यूशन मेडिटेशन करने जा रहा हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, ओके, बट दिस विल हैपन. This will happen that sometimes you will pick the options which are going to be correct, and you will pick just like that. You don't know what is the reason. It will happen in some of the questions. But वो intuition level लाने के लिए आपको अच्छी practice करनी पड़ेगी. मुझे उस intuition के पीछे का भी logic यही समझ में आता है कि इतनी जब आप practice कर लेते हो और इतनी समझ develop हो जाती है, तो कुछ calculation इतनी तेज हो रही है जो आपको पता नहीं चल रही है शायद. ठीक है, आपको मालूम ही नहीं चल रही है. मैं उसको intuition शायद गलत बोल रहा हूँ, वो शब्द intuition का हो ही ना. It may be something is happening so fast that you do not know what's happening. हाँ जी, तो Like that, होगा ये चीज. 5% भी आपको ग्लांस करके कई बार दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आप डायरेक्टली 5% चेक करेंगे, बट anyway, आपको सही से सॉल्व करना भी आना है. हम लोग इंट्यूशन के भरोसे एग्जाम देने नहीं जाएंगे. हाँ जी, पढ़ के जाएंगे. क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया तो -4 हुआ. देखो, -4 80 से 76 -4 ही होगा ना. अब मुझे पता है मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, तो मैं यहाँ -4 नहीं लिखूंगा. मुझे परसेंटेज निकालना, मैं निकाल कर लिख दूंगा. ठीक है, 24वां सवाल देखिए. 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, बताना है ये किसके बराबर है. 22, 17, 39 और 11. ये सवाल जान निकालने वाला सवाल है, सीरियसली, बिकॉज फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत खतरनाक है, नहीं लगाओगे तो करोगे क्या. ठीक है, व्हाट विल यू डू, क्योंकि यहां ये जो वैल्यू है ना, 39 और 11, 50 50 जो वैल्यू है ना, ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग दिख रहा होगा कि इसका 1/3 कैसे करें, बट ऐसा नहीं है. इसका 1/3 किया जा सकता है. 50% का 1/3 जो बनता है, वो बनता है 16/3%, व्हिच इज -1/6. तो मैंने आपको क्या बताया कि आप तीनों को बराबर कर लो, इक्वली बांट लो और सॉल्व कर लो. तो अगर मैं तीनों को -1/6 मान लू, तो मेरा आंसर आ जाएगा. -1/6 का मतलब होगा 6³ मेरा 5³ हो जाएगा. 6³ होता है 216, 5³ होता है 125. 216 से 125 कितना परसेंट हुआ? 75, 16, 91. 91/216 × 100 आपका आंसर है. कितना परसेंटेज है मुझे देखना है. डेफिनेटली मुझे दिख रहा है 50 से कम है. ये दोनों नहीं होना है. 50 से कम है, इतना भी कम नहीं है. 21, 24 होता है. 40 से तो ऊपर है. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब इसको डिवाइड करके बेटा सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे करें? आपको अगर 10% की वैल्यू निकालते हैं, ऐसा करते हैं, इसको अलग तरीके से कराता हूँ. 50% निकाल लो पहले. तो 216 का 50% इसका आधा होगा 108. अब मुझे अगर 91 तक जाना है बेटा, तो मुझे 17 पीछे जाना है. इस वैल्यू का 5% कितना है? 50% अगर 10.8 है, तो 5% 10.8 हो. मुझे अगर 17 पीछे जाना है 50 से, तो मुझे 5 से ज्यादा पीछे जाना है. ओके, ट्रू और नॉट? यस. तो मुझे 45 से नीचे चला जाऊंगा, मेरा आंसर भी होगा. देखो, पहले तो मुझे पता है 21, 24, 84 होता है. मेरा आंसर 40 से 50 के बीच में है, इसलिए मैंने कहा इन दोनों में से कुछ सही है. ऑलराइट, फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई 50% की वैल्यू 108 है. मुझे आना है यहां, मैंने 45% निकालने की कोशिश करी. 45% में 10.8 घट गया. 10.8 आपने घटाया ये वैल्यू, तो 99.2 आ गया लगभग. मुझे 91 तक आना है, तो मुझे और पीछे जाना है यार. 45 से पीछे जाना है. ये 40 है, ये 50 है, मुझे 45 से पीछे जाना है. तो मेरा आंसर 40 से 45 के बीच में हुआ, मेरा आंसर भी हुआ. एग्जैक्ट डिवाइड करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरा सुझाव है. लेकिन कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे नहीं सर, हम तो टाइम बर्बाद करना चाहते हैं ना, बताओ ना थोड़ा तरीका. चलो ठीक है, 6 से डिवाइड कर लो पहले. 15 × 96 होता है. 6 × 9 = 6 हो गया, 3 बचा. 6 × 5 = 30 हो गया, 1 बचा. 6 × 9 = 6 हो गया, 4 बचा. 6 × 36 हो गया, लगभग इतना आया. ठीक है, फिर 6 से काटो. 6 × 2 = 12. 6 × 5 = 30. 1 बचा. 6 × 2 = 12. 6 × 36 ऐसे हो गया. फिर 6 × 6 = 24. 6 × 2 = 12. 6 × 6 × 6 करके डिवाइड कर लो, 42 पहुंच जाओ. ठीक है, ओके. कुछ लोग कह रहे हैं इससे अच्छा तो फॉर्मूला लगा लो. नहीं 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 विवेक, तेरा फॉर्मूला एक बार लगा के देखो, मरणासन्न हो जाओगे फॉर्मूले में.
जो कम से कम इतना सखी हो कि मेरी ये बात मान के यहाँ डिवाइड भी कर ले तो मुझे दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगा के देखो जरा, जीवन नरक ना हो जाए तो बताओ, ये 22 × 17 × 11 करना है, 22 × 17 = 11, 11 × 22, ये भी ध्यान रखना कि जब तीनों का गुणा करोगे तो नेगेटिव आएगा। लोग करें 20 20 10 भी तो कर सकते हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, आ रहा हूँ। तो एक तरीका ये है, और इस तरीके में आपने क्या किया है, इस तरीके में आपने ये काम किया है कि आपने तीनों को बराबर किया है और तीनों को बराबर करके एक लगभग मान निकाल लिया है, ठीक है, राइट। दूसरा देखो, एक तरीका ये भी है इसमें कि हम 50 का टोटल रखते हुए इसको 20 20 10 मान लें, राइट। इससे भी आपको पता है कि आपका आंसर लगभग आसपास ही आएगा, टोटल तो अभी 50 ही है। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखते जाना कि गैप्स जब बड़े होते हैं तो आंसर दूर आता है, गैप्स पास पास होंगे तो आंसर करीब होगा, बट यहां आपने गैप कोई बहुत बड़ा नहीं किया। देखो 22 17 11 था, हमने 22 से 2 खींचा, 17 को 3 दे दिया, 11 से 1 खींच लिया, तो इट्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अप्रोक्सीमेशन, बुरा अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ठीक है। और हमें भी पता है कि इनको चेंज करने से वैल्यू दशमलव में जाकर बदलती है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन तो आता नहीं, ऐसा नहीं कि 42 45 हो जाएगा। अब ये मत कर देना कि कुछ लोग बहुत ही निहायत ही बदतमीजी करने लगते हैं, कहते हैं हम सर ये करेंगे 0 0 50, फिर तुम्हारा बिया नहीं होगा, आई एम सॉरी, है ना, हम फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर हम इसको 25 25 कर ले, तो देखो यहाँ 25 25 करने से तुम्हें उत्तर तो आ जाएगा, बट ये सही तरीका है नहीं यार। 3 का सक्सेसिव 3 में रखो और कोशिश करो कि आसपास हो, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बढ़िया करो, या तीनों बराबर कर लो, या 20 20 10 कर लो, 3 स्टेप रखो, 3 स्टेप है तो। अब शादी में 7 फेरे होते हैं, अब तुमको हम 3 ही लगाएंगे, बोल के देखना अपनी शादी में, मार मार के साथ लगवाए जाएंगे, ऐसे ही चुपचाप यहाँ पर 3 स्टेप है तो 3 ही रखना है। ये नहीं कि 0 0 50 50 है तो टोटल सर उत्तर क्यों नहीं आया मेरा, मैं तो यहाँ पर लगाऊंगा डी ऑप्शन, नहीं सी ऑप्शन, यहां से सॉल्व कर सकते हो। तो आप 20 20 10 करोगे तो आप कहोगे 5 से 4 5 से 4 10 से 9 250 बिकमिंग 144, इसका 4 गुना करते हैं 1000 बनेगा, इसका 4 गुना करते हैं 144 का 4 गुना 576 होता है, ये वैल्यू अंतर आई 424, ये 100 करोगे तो 42.4% बनेगा, 57.5 576 है, 57.6, 42.4% आ गया डिस्काउंट, यही आंसर है। कितना डिफरेंस तक ले सकते हैं बेटा, डिफरेंस मैंने क्या बोला कि थोड़ा रियलिस्टिक रखो, मैंने आपको बताया है कली के अंतर में ज्यादा फर्क आता नहीं है, बताया कि नहीं बताया, तो जहां 1 2 का अंतर है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दशमलव में जाके फर्क आता है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने अगर यहां पर इन तीनों को बराबर करके 16 2/3% भी कर दिया तो भी फर्क नहीं आया ज्यादा, आप इसको 20 20 10 कर लोगे तो भी फर्क नहीं आया ज्यादा, आया क्या, नहीं आया। अब इसको करने के और भी तरीके थे, देखो 20 20 का नेट क्या होता है 36% होता है, अब इसको आप ऐसे लिख दो 36 + 10 - 360/2, आपको इस सवाल में कलम नहीं उठाना पड़ा, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ चलोगे ना तो बेटा आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं, जो सवाल लोगों की जान निकाल सकता है उस सवाल को आप ओरली कर पाओगे। 20 20 का नेट 36 होता है, ये प्रैक्टिस के साथ तुमको याद हो जाएगा सक्सेसिव में, 20 + 20 - 4 36 और 10 को कंबाइन कर लो, डिस्काउंट आ गया 42.4 हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बातें बहुत कमाल की हैं, इनको सीख लो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। एडिशन ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए, रिंकी जी कल इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट देखिए पहले जाके क्यों ऐसा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, नहीं समझा तो रट लेना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट समझने की कोशिश कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 10 15 20 बताना है किस डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है, 5 10 15 15 30 20 50 50 का आधा कितना होता है, कितना होता है 12.5 होता है, 50 का 1/4 12.5 हमारा होता है 8 से 7, 4 बार करो 8 28 64 का स्क्वायर होता है 4096, 7 49 49 का स्क्वायर होता है 2401। ये जो अंतर है जरा इसको समझते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहां पर क्या है, सवाल में गैप्स कम है लेकिन गैप्स ठीक ठाक है, बिकॉज 1 1% का गैप मुझे दिया हुआ है, 1% का गैप मुझे दिया, तो अगर मेरा अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ना हो तो यहाँ बात बन सकती है। तो मैंने इसलिए बोला कि 4 स्टेप्स हैं, टोटल 50 आ रहा है तो 12.5 बनता है, 12.5 से करने की कोशिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा आपका। अब मेहनत जो है वो ये है कि यहां पर जो अंतर आएगा आपका 97 आएगा, 1697 आपका आ गया, 1697/4096 मेरे को करना है। अब यहां डिवाइड थोड़ा तमीज से करना क्योंकि आंसर में ना थोड़ा मामला गड़बड़ा है ना,
अब ये तो दिख रहा है कि अगर मैं इस वैल्यू को चार गुना लेके जाऊं, ठीक, मुझे ये देखना मेरा आंसर किस वैल्यू से शुरू होगा, दैट्स एनफ टू मार्क माय आंसर। चार गुना करते हैं इसका, 16,000 बनेगा, और 96 का चार गुना बता सकते हो मुझे क्या है, 1695 आएगा, सॉरी हाँ यार बेटा सॉरी 95 का लेते हैं, 16,000 और 96 का तीन गुना कितना होगा, 288, नौ सॉरी चार गुना कर रहा हूँ, 9 चौके 36, 6 चौके 24, 384। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 16,384। अभी आप दशमलव वगैरह छोड़ दो, जीरो लगाना लगा लो, अगर आप अंतर देखोगे यहाँ पर तो ये आएगा 500, मतलब लेट्स लेट्स लुक एट दिस ओनली, 38 से 95 कितना अंतर है, ठीक है 57, ऑलमोस्ट 57 बोल सकता हूँ मैं लगभग। तो मैं जाऊँगा तो एक ही बार जाऊँगा, आई कैन गो ओनली वन टाइम, राइट, क्लियर नॉट, यस। तो ये दिख रहा है कि मेरा आंसर 41 point something something है ना, ठीक है। बट यहाँ एक छोटा सा घोटाला है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो यहां तुम हो जाओगे गलत, मैं उसका रीजन बता रहा हूं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 41 पॉइंट के बाद क्या, इसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक ऑप्शन है 41.86, एक ऑप्शन है 40.86, आंसर में केवल एक का अंतर है। अब देखो मेरा आंसर मान लिया जो वैल्यू आई वो इधर आई तो आपको लगेगा ये करेक्ट है, अगर वैल्यू इधर आई तो आपको लगेगा ये करेक्ट है, घोटाले वाली चीज है कि नहीं है, यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी माय आंसर, वी नीड टू हैव लिटिल मोर डेटा सपोर्टिंग इट, ओके। कोई बताएगा मुझे कि मैं क्या करूं, डी लगाऊं या सी लगाऊं, आंसर डी ही होगा और उसका रीजन मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, समझना उसको क्यों। देखो 41 पॉइंट जो भी आया आपकी वैल्यू, फॉरगेट अबाउट दैट। एक बात बताओ, जब मैंने -10 और -10 किया था और यहाँ +1 आया था तो ये 19 आया था, यहाँ जो वैल्यू जब बराबर हमने ली थी तो बराबर के केस में ये लोवेस्ट मैग्नीट्यूड आया था, क्योंकि दो वैल्यू माइनस में थे, यहाँ मैक्सिमम जुड़ा जब दोनों बराबर हुए, ये लोवेस्ट मैग्नीट्यूड आया। तो जब हम डिस्काउंट वाले केसेस करेंगे और सबको हम बराबर ले लेंगे तो ये जो वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे ये लोवेस्ट वैल्यू होगी, यानी आपका आंसर इससे ज्यादा होगा, मोर देन दैट। तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग दिस पर्टिकुलर केस, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन सी कि यू आर गोइंग लिटिल अबव दैट पर्टिकुलर वैल्यू, उधर जा रहे हो आप 41 के उधर, तो आपको एक 41 की तरफ से एक सपोर्ट मिला हुआ है। मैंने क्या बोला, अगर आप 10-10 लेते हो और 10 की जगह आप 9 और 11 ले लो, 9 और 11 में यहाँ 0.99 जुड़ता है तो ये वैल्यू 19.01 आती है। जब अनइक्वल वैल्यूज आप लेते हो तो ये वैल्यू बढ़ती है, परसेंटेज डिस्काउंट ज्यादा आता है, मैग्नीट्यूड बढ़ता है। तो अगर आपने सब इक्वल ले लिया और ये वैल्यू 41 आ गई, मतलब तो आंसर ज्यादा इससे बड़ा है, 41 से बड़ा, और मुझे पता है कि 41 से बड़ा यही आंसर होगा, बिकॉज गैप भी इतना बड़ा नहीं होता कि मैं 42 में पहुंच जाऊं, तो आंसर विल बी डी, दैट्स हाउ यू कैन बी श्योर दैट आंसर इज डी। एनीवे कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको आपको ट्रेडिशनली करा देता हूँ, ओके, माइनस बाकी दुनिया ट्रेडिशनली करती है, -15 -20, कोई बात नहीं, आप इधर देखो छोड़ दो, 20 से 19 10 है, 10 से 9 15, 15 में होता है 20 से 17। देखो मैं 15% डिक्रीज को सीधा लिख रहा हूँ, फ्रैक्शंस पता होने चाहिए आपको, 3/20 होता 15%, तो 20 हमारा 17 हो जाता है, और यहाँ 20% है तो 5 हमारा 4 हो जाता है, 20 × 5 = 100, 1000, 1000 को 2 से गुणा किया 20,000, 5 × 10 = 20, 3 0, 19 × 9 = 171, 17 × 68 टू मल्टीप्लाई, ऐसा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, 17 से गुणा कर लेते हैं, 17 × 170 करेंगे 2890 बनेगा, 17 × 17 ऐसा बनेगा, ये बनेगा 2907 × 4, तो इसका 4 × 116 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ से मुझे परसेंटेज चिन्ह निकाले निकल जाएगा, अब पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 50814, यहाँ आ गया 10,000, 2 0 काटा, यहाँ 10 लगा, 3 2 0 काट दो, 50, एक मिनट, सॉरी 58 लिखा था, 50 गई था, 58 14, यहाँ 100 लिखोगे तो 58 10 4 आएगा, बताओ वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 41.86% आ रही है। तो आप ऐसे निकाल लो, जहां आपको ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है तो उसको मत यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपका जो कंपटीशन है वो यही कर रहा है अभी भी,
अब ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सक्सेसिव में ऐसे कर सकते हो, ये तो पढ़ा चुका हूँ मैं। सक्सेसिव में अगर रेशियो निकालना हो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ऐसे कर सकते हो, ये आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये कर लो, इससे लगा लो। 100 हमारा 58.14 हो गया, तो 81.86% का डिक्रीज है। तब तक धीरे धीरे ये भी समझने की कोशिश करो, ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। छब्बीस सवाल देखते हैं, 26 क्वेश्चन। रेडियस एक सर्कल का हम इस तरह से बढ़ाएंगे कि सर्कमफेरेंस 4% से बढ़ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज एरिया में बता दो क्या होगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझाऊंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट, और उसको ध्यान से समझ लेना। कभी भी कोई दो चीजें अगर प्रोडक्ट में दी हो, जैसे ए इंटू ए डैश ए इंटू बी दिया हो, ये दो चीजें मान लिया प्रोडक्ट है किसी भी चीज का हो, या ए इंटू बी इंटू सी हो, ऐसे, फिर मैं बोलूँ कि ए को हम ए परसेंट से बढ़ा देंगे, चेंज करेंगे, बी को हम बी परसेंट से चेंज करेंगे, सी को हम सी परसेंट से चेंज करेंगे, तो हमारा जो ये पी डैश है वो ऐसा हो जाएगा, ए डैश बन जाएगा, ये वैल्यू चेंज हो गई, बी बी डैश बन गया, सी सी डैश बन गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बताओ पी से पी डैश में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, अगर ये चेंज आर परसेंट है तो बताओ आर किसके बराबर। तो एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तुरंत आपको ये समझ में आ जाएगा कि पी हमारा लेट से ए इंटू बी इंटू सी के बराबर है। मैंने कहा, मान लिया इस वैल्यू को मैंने 10% से बढ़ा दिया, इस वैल्यू को मैंने 1% से बढ़ा दिया, इस वैल्यू को मैंने 30% से बढ़ा दिया। क्या हमारा पी डैश जब मैं लिखूंगा तो 10% बढ़ाने से वैल्यू 11/10 गुना हो जाती है, तो ये 11/10 ए हो जाएगा। 20% बढ़ाने से वैल्यू हमारी 6/5 गुना हो जाती है, तो ये वैल्यू 6/5 बी हो गया। 30% बढ़ाने से वैल्यू हमारी 13/10 गुना हो जाती है, तो 13/10 सी हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 11/10 इंटू 6/5 इंटू 13/10 इंटू सी, यस, इंटू पी लिख रहा हूँ, पी इसलिए लिख रहा हूँ कि पी क्या है, ए बी सी का प्रोडक्ट है, वही आ गया, ए बी सी इधर आ गया, तो पी डैश हमारा इतना गुना है पी का, ठीक। तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये इन वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप बताओ मेरे को कि पी अगर 13/10 से मैं पहले गुणा कर रहा हूँ, तो क्या एक तरह से ऐसा हुआ कि पी मेरा पहले 30% से बढ़ा, फिर उसको मैं 6/5 से गुणा कर रहा हूँ, तो वो 20% से सक्सेसिवली बढ़ा, फिर वो वैल्यू 10% से सक्सेसिवली बढ़ी, सक्सेसिव में ही मैं इनका गुणा करता हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई चीज प्रोडक्ट में है और उसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स मेरे बदल रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट में बदलाव है ये बदलाव सक्सेसिव से निकल जाता है। आप देखो ए में कितना बदलाव है, ए परसेंट का, तो आप यहाँ लिखिए ए परसेंट, बी में बदलाव है बी परसेंट का, तो यहाँ लिखिए बी परसेंट, सी में बदलाव है सी परसेंट, तो यहाँ लिखिए सी परसेंट। तो जब भी कोई प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट का जो परसेंटेज चेंज अगर मुझे इंडिविजुअल वेरिएबल कंपोनेंट्स का दिया हो, तो मैं उनको सक्सेसिव में लगा के ये जो प्रोडक्ट है पी, जो ए इंटू बी इंटू सी है, वो मैं निकाल सकता हूँ कि उसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है। तो जैसे इसकी वैल्यू आपको निकालनी हो, तो इसका सक्सेसिव रिजल्ट ही मेरा आंसर होगा। अब जैसे ये सवाल, एक सर्कल का रेडियस हम बढ़ाएंगे इस तरीके से कि इसका जो सर्कमफेरेंस है वो 4% से बढ़ जाएगा। अब सर्कल के बारे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्योमेट्री नहीं जाननी चाहिए पूरी, बस इतना समझो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है, कितने लोग को पता है चीज, यस। अच्छा, अगर मैं आर को 4% से बढ़ाऊंगा, तो मेरे को बस एक बार बता दो तुम लोग, ठीक है, रेडियस अगर 4% से बढ़ा, क्या यह कहना सही है कि अगर सर्कमफेरेंस मेरा 4% से बढ़ेगा तो रेडियस भी 4% से बढ़ेगा? यस, ये कहना सही है। क्यों? क्योंकि 2π कांस्टेंट है। अगर ये 4% से बढ़ा तो मतलब समझ रहे हो क्या हुआ, ये 26/25 गुना हो गया सी, और ये 2π है। आप बताओ अगर ये 26/25 गुना हो गया और आर मेरा 26/25 गुना ना हो, तो ये इक्वेशन ट्रू रहेगी? नहीं। इसका मतलब सिंपल है कि अगर एक ऐसी लीनियर रिलेशनशिप दी है जिसमें सी, इसको बोलते हैं आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर सी 4% से बढ़ेगा सर्कमफेरेंस, सी मतलब सर्कमफेरेंस, तो आर भी 4% से बढ़ना ही बढ़ना। तो इस सवाल में इस लाइन का मतलब है कि सर्कमफेरेंस 4% से बढ़ा, मतलब रेडियस 4% से बढ़ा। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब आर इंटू आर में आप करो, आर 4% से बढ़ रहा है, प्रोडक्ट है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो यहाँ जो चेंज आएगा इसको हम सक्सेसिव में रख सकते हैं। अगर एरिया के बारे में निकालना है, ये 4% और 4% का सक्सेसिव बन जाएगा। 4 और 4% का सक्सेसिव होता है 4 4 8, 4 4 16/100, 8.16। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या लिखा मैंने, देखो बेटा 4% बढ़ने का मतलब होता है 4% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट प्लस 1/25 होता है, ये लिखवा चुका हूँ। फ्रैक्शन की शीट सामने रखो अगर याद नहीं है तो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 4% से बढ़ा तो मेरा 25/26 हुआ, और दो बार सक्सेसिव बढ़ा तो 25² 26² हुआ, बट ये अननेसेसरी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आपको सीधे ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 पता है, तो ये सब क्यों करोगे, टाइम वेस्ट, 676 ये क्यों करना है, कभी नहीं करना, डोंट डू दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम सर, ये कर लो सीधा,
27वां सवाल देखो, अगर कोन की हाइट हम 200% से बढ़ाएं और रेडियस हम 50% से घटाएं तो परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में बता दो कितना हो। ठीक है, पहले 30 सवाल करेंगे आज टोटल, छोटे छोटे सवाल है कर लो। अब देखो कोन का वॉल्यूम किसी को पता है? नहीं पता है तो जान लो, कोन पहले तो ऐसा दिखता है, इसका रेडियस होता है आर, हाइट होती है एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच के साथ 1/3। ठीक है, यहां पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बदलते नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो वॉल्यूम है ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, रेडियस इंटू हाइट, ये तीन वेरिएबल है, ये तीन वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। अब तीन अगर प्रोडक्ट में है तो वॉल्यूम में बदलाव कैसे होगा? सक्सेसिव से, आप करो हाइट 200% से बढ़ाएंगे, रेडियस 50% से घटाएंगे, रेडियस 50% से दो बार घटा दो, हाइट को 200% से नेट चेंज निकालना है, निकाल लें, होल करना है, कर लो। कोई भी चीज अगर 50% से घटी तो वो आधा गुना हो जाती है, कोई चीज फिर से 50% से बढ़ी फिर से आधा गुना हो गई, कोई चीज 200% से बढ़ी तो तीन गुना हो जाती है, तो ये अल्टीमेटली चीज बढ़ी 3/4 गुना हो गई, और कोई चीज अगर 3/4 गुना हो जाए तो 1-1/4 है, यानी 25% कम हो गई। एक तरीका, दूसरा तरीका, आप यहां इसको ऐसे लिखिए, दो बिकमिंग एक बिकमिंग तीन, 200% बढ़ने का मतलब ऐसा होगा, यहां से निकलेगा आपका प्रोडक्ट, यहां 2 2 4, 4 becoming 3, 1 का डिक्रीज 1/4, 25%, ये भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 सेम चीज पे बेस्ड है, वैसा ही है, और इसको जरा बताओ कैसे होगा। यहां कह रहा है कोन की हाइट बढ़ी है, वॉल्यूम क्या होगा? अगर इस सवाल में एक ऑप्शन दिया होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो वो लगाते, क्यों नन ऑफ दीज दिया होता तो वो लगाते, क्योंकि आप कहोगे मुझे वॉल्यूम पता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर के बारे में तुमने कुछ बोला नहीं तो हमें क्या पता आर के साथ क्या हो रहा है, तो मैं ये लगा देता। ठीक है, लेकिन चूंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया हुआ है तब आपको पता है कि वैल्यू जो है ना फिक्स है, कुछ आंसर लाना है, तो हम ये मानेंगे कि रेडियस कॉन्स्टेंट है, दिया नहीं है, हम मानेंगे रेडियस कॉन्स्टेंट है। अगर ऑप्शन डेफिनेट है, भाई चारों ऑप्शन में कोई ना कोई वैल्यू लिखी है, मतलब आंसर तो निकालना ही है, मजबूरी है, जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम कहेंगे फिर तो रेडियस को कांस्टेंट मान के ही आंसर निकलेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हाइट 100% से अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम जो है हाइट के लीनियरली प्रोपोर्शनल है, और आर अगर नहीं बदला तो ये भी कांस्टेंट की तरह हो गया हमारे लिए, आर बदल नहीं रहा तो ये भी कांस्टेंट की तरह हो गया, तो वॉल्यूम हाइट के प्रोपोर्शनल हो गया, तो अगर हाइट 100% से बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी 100% से ही बढ़ जाएगा, हाइट की पावर 1 है, लीनियर रिलेशनशिप है, रेडियस में कोई चेंज ही नहीं है तो सक्सेसिव बनना ही नहीं है, तो यहां बेसिकली एक ही डंडी बनेगी 100% की हाइट वाली, ये आर की तो बनेगी नहीं, तो 0% की डंडी है, चेंज ही नहीं हो रही है। 29वां, एक ट्राइंगल का बेस मेजर कर रहे हैं तो हमें पाया गया कि 40% एक्सेस में उसका बेस है और हाइट x% छोटी है, परसेंटेज डिक्रीज एरिया में 16% है, x निकालो कितना है, समझना इस सवाल को। ट्राइंगल का एरिया पता है किसी को? ये ट्राइंगल का सिंबल है और इसको एरिया का सिंबल भी बोलता है। ठीक है, चलो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कुछ लोग लग जाएंगे भी कि लो सर हेरॉन्स फॉर्मूला आता है हमको, हम तो बहुत तेज है, नहीं, हमको जो चाहिए वो बताओ, तो ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हमारा एरिया। यहाँ क्या कह रहा है, ये चीज तो कांस्टेंट है, ये एरिया के परसेंटेज चेंज पे कोई असर नहीं डालेगी, बेस को आप बोल रहे हो कि बेस हमारा 40% एक्सेस में, यानी 40% ज्यादा है, हाइट x% शॉर्ट है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे x% कम है, और इसकी वजह से ओवरऑल जो है वो 16% का डिक्रीज है। ठीक है, तो आप कहोगे बेसिकली बी और एच प्रोडक्ट में है तो एरिया में जो चेंज होगा वो तो सक्सेसिव में आएगा, पढ़ा ही चुका हूं मैं, 40% और x% का सक्सेसिव हो जाएगा, और नेट मुझे ये लाना है 16% का बेटा, तो यहाँ ये 100 है तो ये वैल्यू 84 है, 100 में 40 जुड़ेगा 140 होगा। अब देखो 14 × 84 ये 60% है 140 का, सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, 140 का 60% है तो 40% की कमी आ गई, सी ऑप्शन, और 140 में 84 घटा लो तो ये 56 बनेगा, 56 × 140 का 40% है, 10% × 14 40% × 56 वैसे आ गया। दूसरा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुमको ये दिख जाएगा कि 40 और 40 का सक्सेसिव 16% नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सीधे दिख जाएगा कि -40, हाँ जी, वो x²/100 होता है ना उससे। तीसरा सवाल देखते हैं, ए और बी हमारे सॉलिड स्फीयर्स हैं और कह रहा है कि जो सरफेस एरिया है बी का वो 800% ज्यादा है ए के सरफेस एरिया से, वॉल्यूम ए का कितना प्रतिशत कम है वॉल्यूम बी से? पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है टीएसए का, मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, होता है 4 πr² तो अब यहां बात क्या कर रहा है,
कि दो हमारे पास सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनके सरफेस एरिया की बात कर रहा है कि सरफेस एरिया जो बी का है वो ए से 800% ज्यादा है। 800% ज्यादा होने का मतलब हमेशा ध्यान रखना 9 गुना होता है। ओके? तो आप ये करो कि बी का सरफेस एरिया ए के सरफेस एरिया का 9 गुना, आप देख लो 800%, 100 मान लो, 800 बढ़ा लो 900 हो गया, 9 गुना हो गया। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ए का टीएसए जो होगा टोटल सर्फेस एरिया और जो बी का टीएसए होगा ये सर्फेस एरिया मेरा 1/9 है। ए के सर्फेस एरिया में आएगा 4πRa2, बी के सर्फेस एरिया में आएगा 4πRb2। 4π से 4π कट जाएगा। अब आर ए बटा आर बी निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आया आपका, यह आया 1/3। लेकिन मुझे वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। अब वॉल्यूम्स को अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ एरिया की बात कर रहे थे, यहाँ वॉल्यूम पे आ गए। वॉल्यूम में आपको पता है 4/3πr³ होता है। अब रेशियो निकालोगे तो ये 4/3π तो कटना है, वॉल्यूम का अनुपात यही होगा, आर ए क्यूब बटा आर बी क्यूब ही वॉल्यूम का अनुपात बन जाएगा क्यूब करने पे, क्योंकि 4π 4/3π तो दोनों में आएगा कटेगा, तो 1/27 हो जाएगा। तो बी का वॉल्यूम 27 गुना होगा ए से, ध्यान रखना बी का वॉल्यूम 27 गुना होगा ए से। यहाँ सीधे 27 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं। पूछ मुझसे ये रहा है कि ए का वॉल्यूम बी से कितना प्रतिशत कम है, मुझे निकालना है। By how much percent volume is less? A का B से कितना कम? तो यहाँ थोड़ा तीर सही करनी पड़ेगी मुझे। आपको क्या 26 कम है? A का volume B से 26 कम है। मुझे क्या निकालना है? 26/27 का परसेंटेज। समझदार लोग जो होंगे वो इसको ऐसे निकालेंगे, 1 - 1/27। मैं आपको फ्रैक्शन में प्रोसेस लिख रहा था, 5/6 निकालना है तो 1 - 1/6 लिखना सीखो। अब इसका परसेंटेज निकालने जाएंगे तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे, फ्रैक्शन को 100 से गुणा करते हैं। 1 × 100 हमारा 100% बन गया और ये वैल्यू हमारी हो गई माइनस में 100/27%। 27 * 81 होता है 3.0 कुछ कुछ बन जाएगा, 3 से 4 के बीच में होगा। 27 * 3 = 27 = 108 होता है। 100 में 3 घटाओगे 97 बचेगा और थोड़ा सा और घटाना है तो 96.0 कुछ कुछ मेरा आंसर आएगा। बट आप जाओगे तो आपको सर 96 में 2 आंसर है, अब बताओ क्या करें? डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये जो वैल्यू है आप मेरे को बताओ बहुत ध्यान से, किसके पास ज्यादा है? 108 के पास ज्यादा है या 81 के पास ज्यादा है? आप कहोगे 108 के पास ज्यादा है, तो ये वैल्यू 4 के पास ज्यादा होगी, ठीक है? तो ये वैल्यू 96 के ज्यादा पास होगी रिलेटिवली, ये 96 से दूर है, ये 97 के पास है, ठीक है? बेसिकली ये वैल्यू, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू 100% ऐसी आएगी, 100 - 3.5 से ऊपर ही आना है, क्योंकि 81 से 19 दूर है 100 और 4 जो है 108, 4 गुना उससे 8 ही कम है, तो ये 4 के करीब होगी, तो वो 3.5 से ज्यादा होगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो पक्का 96.5 से कम है और 96 से ऊपर है, तो मेरा आंसर क्या है? बी। ये है अप्रोक्सीमेशन आउट ऑफ कैलकुलेशन। 1/3 समझ नहीं आया? कैसे नहीं आया अविनाश जी, क्या बातें कर रहे हो? आर ए स्क्वायर आर बी स्क्वायर का रेशियो 1/9 है, ये काम तो बचपन में किया होगा ना आपने, 10th में दियो कि नहीं तुम लोग? 8 से तैयारी तो नहीं करने लगे हैं? 26/27 × 100 रन निकालना आसान नहीं है, पहाड़ा पढ़ो जरा, 27 का पहाड़ा आता है आपको? अगर आता है तो बात अलग है। मैंने उसको 1 - 1/27 करके 100 से गुणा किया, ठीक है? समझे कि नहीं? क्लियर? अच्छा, अब मैं जो डाउट्स लूंगा वो ध्यान रखना थियरी से रिलेटेड या जो परसेंटेज के सवाल रिलेटेड है उनसे ही पूछना, ठीक है? कोई और सवाल अभी मत पूछना, उसके लिए मैं अलग से डाउट सेशन रखूंगा। जो थियरी में नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछ लो, कोई सवाल आज का समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। हाँ जी, इक्वेशन सर, इसकी इक्वेशन ऐसे ना बनाकर और नहीं बन सकती, इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगी बैंक। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर 5 रखने से उत्तर आ जाएगा, तो वो 5 रख के भी आप लगा सकते हो एग्जाम में, चीज ट्राई कर सकते हो कि चलो हमने रखा वैल्यू मैच कर गया, ठीक है, किस्मत अच्छी है हमारी, थोड़ा किस्मत से भी खेल सकते हो ना एग्जाम में। तो और कोई तरीका इक्वेशन में, इससे आसान क्या तरीका होगा इक्वेशन बनाने का? सबसे आसान तरीका जो दिया था वो लिखा और इक्वेशन बन गई, है ना? ठीक है, और देखो। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कर दोगे यार? नंबर इज इंक्रीज बाय 20, ना 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 ना, क्या बोला पहले समझो बेटा। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन ए पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रिवर्सिबल ऑफ समथिंग व्हेन द नंबर इज मेड टू इंक्रीज। देखो क्या कह रहा है, नंबर को जब 20% बढ़ा रहे हैं तो ये क्वालिफायर है, डिफरेंसेस 175/144 गुना हो गए, जो तुम पहले निकाल रहे थे उसी का कंपैरिजन बात से करोगे ना, ये नहीं कि वहां नंबर को 20% बढ़ाया तो हम उसको 6/5 उठा के कर देंगे, ना 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 ना, ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत है। आप करोगे इसको ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, कह रहा कि जो अंतर पहले था अब वो अंतर, वो डिफरेंस एक ही जगह लिखा गया है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये 6/5 x हो गया, बाद में डिफरेंस ही इतना गुना हो गया,
जो पहले एक टर्म हमने डिफाइन किया वही चीज बढ़ गई बेटा, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें, किसी से भी पीवाईसीक्यू से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 200% दो गुना होगा, 200% दो गुना होगा कैप बाबू, बट 200% का इंक्रीज दो गुना नहीं होता है, पहली बात। 200% का इंक्रीज तीन गुना होता है, ठीक है। 50% का इंक्रीज आधा गुना नहीं होता है, 50% का इंक्रीज में वैल्यू डेढ़ गुना हो जाती है, ठीक है, समझे कि नहीं। 200% का इंक्रीज तब होगा जब वैल्यू तीन गुना हो, 200% अगर बोल दे 200% है तब तो ठीक है, दो गुना हो गई, और उसने 200% का इंक्रीज बोला है वहां पर, देखो। हाँ जी, इसमें पहले 22 और 17 को लेकर करके रिजल्टेंट में 11 करके सॉल्व कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हो मैं? बिल्कुल, सक्सेसिव का फॉर्मूला है बेटा, आप इन दोनों को कंबाइन कर लो, फिर इन दोनों को कंबाइन कर लो, आ जाएगा उत्तर। मतलब इन दोनों को कर लो, जो रिजल्ट आए उसको इससे कंबाइन कर लो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम। कोई कह रहा है 120% को मैंने 20% क्यों लिया, ये कह रहा था कि बी ए का 120% है, ये लिखा है ना क्या, ए हैज 120% ऑफ बी, ए अगर बी का 120% है तो ए बी से 20% ज्यादा है तभी 120% है, अगर ए बी के बराबर है तो ए बी का 100% है, अगर ए 120% बी का है तो बी से 20% ज्यादा है, ये इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है बालक। उस दिन मोटिवेशन रहता है पढ़ाई का, फिर खत्म हो जाता है, मोटिवेशन इज अ फेक कॉन्सेप्ट, पहले इस कॉन्सेप्ट को भी जिंदगी से डिलीट करो, फर्जीवाड़ा, ठीक है, बिकॉज एवरी डे यू आर मेजरिंग दैट आई डू नॉट हैव मोटिवेशन, राइट, यू नीड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ चलो, मन लगे या ना लगे, अपने आप को बर्नआउट मत करो, बर्नआउट करने का मतलब है थोड़े बहुत ब्रेक्स आप खुद को दो, लेकिन अदरवाइज देयर शुड बी डिसिप्लिन इन लाइफ, अगर आपको कुछ भी जिंदगी में अचीव करना है तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, तो मोटिवेशन हो या ना हो डिसिप्लिन होना जरूरी है, कि मेरा एक शेड्यूल है, मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी निकालनी है, क्या रोज रोज मोटिवेशन नहीं रहता, फर्जीवाड़ा है मोटिवेशन, सब भी अपनी जिंदगी से डिलीट करो कि तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेशन की जरूरत हो, अरे पढ़ना है यार, कैसा मोटिवेशन, नौकरी लेनी है, 70-72 महीने आएंगे, जिंदगी खुश रहेगी, बच्चे होंगे, बच्चे को पढ़ा पाओगे ठीक से, शादी होगी, दोनों लोग खुशहाल रहोगे, माँ बाप के कुछ सपने जो अधूरे हैं वो पूरे कर पाओगे, क्या चाहिए और तुमको, यही सोच के पढ़ो बस, मोटिवेशन क्या है इसमें, मोटिवेशन सब जानते थे क्या तुम 5वीं क्लास में, नहीं, क्यों जरूरत है अभी जानने की, डिलीट करो सब अपनी जिंदगी से, ठीक है। भारत जी सारी क्लास की है सर, प्लीज रिपीट, रिपीट नहीं करूंगा इसको बेटा, एक बार घर पे फिर से पढ़ के आना, मैंने नाम तुम्हारा दे दिया, ठीक है, कल अगर तुमको समझ में नहीं आया फिर से बता दूंगा, रिपीट आप वीडियो में कर सकते हो, टीचर को रिपीट करने के लिए नहीं बोलना है, आपको जो स्पेसिफिक डाउट है वो टीचर से पूछिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, रिपीट नहीं, रिपीट तो आप वीडियो में कर ही लोगे घर पे, है ना, क्वालिटी चीज पूछो उसे, ये समझ में नहीं आया सर बताओ क्या, और कुछ 24वें क्वेश्चन में -1/6 कैसे आया यार, 16 मैंने कहा 50 टोटल है, मैंने आपको ये लॉजिक कल पढ़ा दिया था कि अगर 3 percentages हो, 14-15-16 वाला एग्जांपल लिया था, टोटल 45 बन रहा था, 45 को मैंने 15-15-15 लिख दिया था, 3 से डिवाइड करके, 3 स्टेप मैंने 3 से डिवाइड किया था, यहाँ 50% है, 50% को तुम 3 से डिवाइड करो, 50% खुद 1/2 होता है, 3 से डिवाइड किया तो वो फ्रैक्शन में 1/6 हो गया माइनस में, माइनस इसलिए क्योंकि डिस्काउंट है, समझ में आया कि नहीं भरत, अब तुमने सही सवाल पूछा है, ठीक है, क्लियर हो गया, तो इक्वली डिवाइड कर दिया तो 50% -1/2 था, 3 हिस्से में डिवाइड कर -1/6 हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं डायरेक्ट 2/3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/3, अभी शुरुआत है इसलिए मैं ज्यादा कष्ट नहीं दे रहा हूँ, किसी संख्या को 1/3 से कम करोगे तो वो 2/3 ही हो जाती है, तो आप डायरेक्टली 2/3 लिख दो, आप एक्स, मैं तो चाहता तो एक्स नहीं लिखता, लिखना ही नहीं है, बट वो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको आ जाएगा, 2/3 ही 228 है, तो 1 यूनिट निकाल दो, 1 यूनिट निकाल के 1/5 निकाल दो, बट अभी मैंने एक्स जानबूझ के लिखा ताकि थोड़ी तकलीफ ना हो आपको, बस धीरे धीरे आप खुद ही स्किप कर दोगे, जैसे आपके दिमाग में वो कर दोगे आप, स्किप चिंता ना करो, ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया कौन सा, ये बेटा देखो मैंने ये बोला कि कोई वैल्यू ए है, बी को आपने एक्स परसेंट बढ़ाया, ठीक, तो ए बी से बड़ा हो गया ना, समझ में ना, तो एग्जांपल ले लो, ये ले लो 100, ले लो इसको तुम 20% ले लो, 25% ले लो, ठीक है, ले लो, आप बताओ ये 125 हो गया, हो गया नहीं हुआ, यस, अब मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो यहां से यहां आने में भी 25 चलना था, यहां से यहां जाने में भी 25 ही चलना है, तो मैं कह रहा हूं पहले जो 25 चलना था वहां पर बेस
100 था तो 1% की वैल्यू 10 थी, सॉरी 1 थी, 1% 100 का 1 होता है, तो 25 यूनिट चलने में मुझे 25% लगा। अब लौटते समय बेस हमारा ए हो गया है, यहां से यहां आना है, तो इसका 1% हमारा 1.25 के बराबर है। आप बताओ वही दूरी चलनी है, 1% अब बड़ा हो चुका है, यानी कदम बढ़े हैं, कम स्टेप्स लगेंगे ना। आप 25 को 1.25 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके वैल्यू मत निकालो, बस यही देखो कि पहले एक का स्टेप था, अब चूंकि ए बी से बड़ा हो गया, मुझे ए से बी जाना है, तो स्टेप मेरा बड़ा हो गया, तो 25 को ही डिवाइड करेंगे अगर एक बड़ी वैल्यू से, तो छोटा मान आएगा, इसलिए वाई का मैग्नीट्यूड एक्स से कम होगा, ये बोला था मैं। समझ में आ गया, इसका डाउट है? अधि अभिदेश, हाँ जी क्लियर हो गया। चलो यार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, 2 घंटा मैं पढ़ा गया आज भी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट। देखो बेटा जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा प्लीज परेशान ना हो, आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पहला अटेंशन बढ़ाओ क्लास में, क्लास में आने के पहले 15 मिनट पहले फोन ऑन, मतलब थोड़ा दूर रहो, यूट्यूब देख के क्लास में कभी मत आओ, एवरी डे 15 मिनट क्लास के पहले आंख बंद कर लिया करो, ओके ऐसा ठीक है, ताकि थोड़ा क्लास के लिए सेटल हो जाओ, फिर क्लास में आओ, जब दिमाग ना भटके तुम्हारा, फिर रोज ना समझ में आए घर जाके फिर से पढ़ो, ठीक है। हमारे साथ रहोगे ना गुरुजी 24 घंटे तक, बेटा जिंदगी रहेगी तो हम भी रहेंगे, ठीक है समझे कि नहीं, तो गारंटी देना तो बेवकूफी है, हाँ बट जिंदगी रहेगी तो हम रहेंगे तुम्हारे साथ, यही एक जवाब दे सकता हूँ मैं आपको कुछ, ठीक है। इस छड़भंगुर जीवन में क्या ही भरोसा, जीवन रहेगा तो तुम्हारे साथ हम जरूर रहेंगे, ठीक है, तुम्हें सिलेक्शन दिला के ही हम मानेंगे, ठीक है, और तुम्हारी शादी में भी आएंगे, बुलाओगे तो, ठीक है, खुश, चलो ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।